Karu nahi muridoram karun.
Yeah.
chaiva narotaman devi saraswati pyasam tato jaya mudirai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadhi Gauru Bhakta Vrinda Sabhi kar haath uthaye bola Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 bola Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Sarvatam Mere Guru Pad Padma Nitalila Pravishna Vishnu Pada Shodar Sada Sri 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 Mad Bhakti Sri Ru Siddhanti Goswami Maharaj Ki Charna Kamala Me Anant Koti Sashtanga Dandavat Pranam Karta Tat Pashyat Mere Sikhya Guru Pad Padma Nitalila Pravishna Vishnu Ashtodara Satyasri Sri Sri Mad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Ki Charna Sarajami Sradha Pushpanjali Arpana Karta Upasthit Vaisnava Vaisnavi Mata Pitai Dhai Vahe Sabhi Pame Jathajo Ke Pranam Karta Hare Krishna Katha Kalya Hum Log Sravan Kar Rahe Thay Kaise Sri Sukhdev Goswami Srimati Radha Han Ka Naam Ko श्रीमद् भागवत में अत्यंत अत्यंत राधा जी का नाम दिया है कारण ही जो श्रीमती राधा रानी कहते देवी कृष्णमयी प्रवक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा चलिए बृहद गौतमीय तंत्र में ये राधा जी की अलग अलग नाम मैंने बताए बोले राधा जी का एक नाम है देवी बोले देवी मतलब क्या है बोले जो अत्यंत अत्यंत दिदीप्तमान बहुत सुंदर है बोले कितने सुंदर है उदाहरण दिया है ये पृथ्वी में जितने माता है ना स्त्रियां कहते इनकी सुंदरता को एकत्रित करो कहते स्वर्ग में एक जो रंभा उर्वशी जो मेनका सुनते हो उनके साथ में समान हो इतने सुंदर है कहते स्वर्ग में कितने सुंदरियां हैं कहते इनकी रूप का अगर एकत्रित कर लोगे ना कहते लेकिन लक्ष्मी एक नहीं लक्ष्मी अनंत है अनंत लक्ष्मियां हैं कहते इनकी सारी सुंदरता को एकत्रित कर लोगे कहते ब्रज में एक गोपी को साथ में लो और जितने सात करोड़ गोपियां हैं अगर इनकी रूप को एकत्रित करोगे ना राधा जी की चरण थी नख थी छटा में इतना सुंदर है उसका अंदर में सारी सुंदरता समा जाएगी इतनी श्रीमती राधा रानी सुंदर है इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं बंसी करान पतित स्खलितम शिखंड जब श्री राधा रानी एक भ्रुपटी नेत्र से श्री श्याम सुंदर को दर्शन करते हैं कभी इनकी दर्शन नहीं इनके तेज चितमन नहीं है तीर है वो तीर कृष्ण में लगते ही ना कृष्ण का मौर मुकुट गिर जाते हैं कृष्ण का बंसुरी गिर जाती है कभी कभी कृष्ण भी स्वयं गिर जाते हैं इतने श्रीमती राधा रानी सुंदरी है बोले श्रीमती राधा रानी की है कहते दूसरा नाम है बोले कृष्णमयी कृष्णमयी मतलब कृष्ण जिसकी बाहर और जिनके भीतर है जहाँ उनके नेत्र पड़ती हैं कृष्ण के सिवाय उनको दुनिया भर कुछ भी नहीं देखती इसलिए उनकी एक नाम श्यामा राधा रानी का जो रंग है कौन रंग की कहते श्यामा कृष्ण कहीं कहीं राधा रानी कृष्ण चिंतन करते 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 कभी राधा कृष्ण रंग को धारण कर लेती है इसलिए बोले देवी कृष्णमयी बोले तीसरा जो नाम है राधिका बोले इनका नाम राधिका क्यों बोले कृष्ण न आराध्यते राधा बोले कृष्णम सम आराध्यते राधा बोले कृष्ण भी विश्व ब्रह्मांड पूजा करती है कृष्ण को बांके बिहारी जी को लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा करते हैं बोले श्री राधा रानी को इसलिए वृंदावन में सेवा कुंज में बताए बोले बैठ पैलो तो राधिका पायो
इसलिए रसखान कहते हैं, कहते वो वाक्य भी आए तो मैंने सब जगह में ढूंढा, वेद में ढूंढा, पुराण में ढूंढा, सारा दुनिया में उनको ढूंढा, लेकिन वो मिले ही नहीं। लेकिन मिले तो कहाँ पर मिले? बोले वृंदावन में, बोले किसी जगह पर, बोले सेवा को जमीन, बोले क्या कहते हुए मिले? बोले बैठ पैल तो राधिका पाए, देखा वो परम ब्रह्म को श्री राधा जी की चरण की सेवा करते हुए मिले। इसलिए कृष्ण स्वयं जिनकी सेवा करती है, और कृष्ण को जो सेवा करती है वो कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए राधिका परा देवता, परा देवता बोले जगत में जितने देवी हैं ये कहाँ से प्रकट होती हैं? बोले श्री राधा रानी से प्रकट होती है, सबके सब श्री किशोर जी से प्रकट होते हैं। इसलिए परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व लक्ष्मीमयी मतलब होता है सारी लक्ष्मियों की जो मूल है वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति, सर्व कांति मतलब कृष्ण के सारी इच्छाओं को जो पूरी करती, कृष्ण के मन में जो 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 इच्छाएं प्रकट हो राधा जी के हृदय में, वो सारी इच्छाएं श्री राधा जी के मन में प्रकट हो जाती। इसलिए समस्त इच्छाओं को जो पूरी करते हैं, इसलिए राधिका परा देवता, इसलिए श्रीमती राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सर्व मोहिनी परा। विश्व ब्रह्मांड को मोहन करने वाले कौन है? श्री वाक्य बिहारी। लेकिन राधा रानी कहते वाक्य बिहारी को जो मोहन करती है वो कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे प्यारी मीठी मीठी प्रभु जी कैसे लीला कर रहे थे। एक दिन मैया जशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रहे थे, लेकिन स्तनपान कराते समय मैया सोच रही थी पता नहीं ये राक्षस लोग मेरे लाला का पीछे हाथ धोकर पड़ गए, मेरे लाला को कोई अमंगल नहीं हो जाए। मैया बहुत दयालु हुई थी, और उसी समय कृष्ण मैया जशोदा की स्तन पान कर रही थी। कृष्ण ने सोचा ये मैया बहुत डरी हुई है, स्तन पान करते करते कृष्ण ने थोड़ी सी जमाई लिया, थोड़ी सी मुंह खोलते ही इतने छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कृष्ण दिखाई दिए। मैया तो डर गई, बोले क्या मैं अलाई बलाई देख रही हूँ? देख कर ना मैया उसका डर के मारे आंख बंद कर दी, आंख बंद करके फिर जब आंख खोल कर देखती है ना कुछ नहीं, ना नासा लाला दूध पी रहा है। बोले कृष्ण विराट को क्यों दिखाए? और उसी दिन जब मैया कन्या को दूध पी रही थी ना मैया डर रही थी, बोले डर रही थी क्यों? हर माता को पता है मेरे लाला कितना दूध पीने से उनका पेट भर जाता है, हर माता को पता है। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा दूध पी लेगा क्या हो जाता है? पेट पतला हो जाता है। इसलिए मैया डर रही थी लाला का पेट खराब नहीं हो जाए, आज इतना दूध पी रहा है दूध बंद नहीं करना है। इतने में जब कृष्ण जमाई लिया विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया, बोले मैया तो ये मत सोच तेरे दूध से मैं अकेला पल रहा हूँ, देख तेरे दूध से ना ये विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं, दुनिया तेरे दूध से चले। इनका नाम मैया जसोदा, मैया जसोदा मतलब क्या है? वो केवल कृष्ण का मैया नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड का जो मैया है कौन है? श्री कृष्ण कन्या है। इसलिए एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो आए ना वो एक चीज की प्रार्थना करते हैं, तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिलता है। इसलिए रसथान कहते हैं भैया ब्रज में जाकर के ना दो काम तो जरूर करो। बोले दो काम क्या करने चाहिए वृंदावन में? बोले रमन रेत लेट नहीं कियो, पहला काम है रमन रेत में जाओ और वह धूल पर लोट पट जरूर खाओ। दूसरी चीज जमुना में जरूर आचमन लो, और जमुना में जरूर यमुना नदी में जरूर स्नान करनी चाहिए, क्योंकि जो यमुना नदी है वो साधारण वस्तु नहीं। कभी यमुना कैसे प्रकट हुई? बोले एक दिन कृष्ण अपना राग उसमें बड़े सुंदर भजन सुने, जब राग रागिनी सुने प्रेम से भगवान के शरीर से पसीना बहा, पसीना निकलते ही मैया जशोदा आंखों में मोटी मोटी काजल लगा कर रखी थी, वो पसीना काजल हो गया,
विगत उनके कहते हुए उनके चरण को स्पर्श करते हुए जब निकलती हैं, ये कौन है? बोले से जमुना पटरानी। बोले से जमुना महारानी की जय। इसलिए जमुना को ना जमुना काली 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 की है। एक तो उनके काजल से मिश्रित और दूसरे हैं वो कृष्ण चिंतन में काली बनी हुई है। कृष्ण चिंतन में कृष्ण काले बने हुए जमुना महारानी। इसलिए बोले चिदानंद भानु सदानंद सुनो। कहती ये यमुना है क्या जी? बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के पानी रूप में बहती है ना, ये यमुना पटरानी। बोले भैया गिरिराज राधा कृष्ण का प्रेम एक कटा जम जाती है। कहती है कौन? श्री गिरिराज गोवर्धन ही। इसलिए ब्रज में जाकर के दो चीज करनी चाहिए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं बोले भैया क्या बात है, जो ब्रज में आते हैं आप वही मतलब वही रख लो, अपने आप भूल गए, सब भूल लगेगा। जब गिरिराज की कथा होगी ना सब भूल लगेगा ठाकुर जी, अब बैठे। इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया सबके सब ये ब्रज धूल प्रार्थना करते हैं, पर ये ब्रज धूल में है क्या? सारा दुनिया क्यों ब्रज रज की प्रार्थना करते हैं? एक दिन कृष्ण स्वयं ब्रज रज को चखने के लिए सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में ठाकुर जी बैठे हैं। सखा ने कहा लाला मिट्टी मत खाया करो, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन कृष्ण मिट्टी खाते खाते ही जा रहे हैं, किसकी बात ही नहीं मान रही। इतने में सखाओ ने जाकर के मैया से चुगली करती, बोले मैया आज लाला तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी खाते जा रहा है, किसका बात नहीं सुन रहा है। मैया को तो क्रोध आ गया, बोले अभी तक घर में मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी वो मिट्टी का नाश सुन कर दी। मैया सीधा आकर के लाला के कान को पकड़ लिया और हाथ में डंडा है। बोले चोरे चोर चोटे हैं, अभी तक घर में मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी तेरा पेट भरा नहीं। अब कृष्ण तो एकदम सफेद झूठ बोल रही। बोले मैया ना अहम भक्षितवानम हो सर्वे मिथ्या भी संसार। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा लोग जो बोल रहे हैं, बोले मैया आज कहाँ भयो तेरे को बतो है? बोले कहाँ भयो? बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से मिठाई कचौड़ी लड्डू चोरी चोरी करके लाते हैं, अब मेरे को जोर जबरदस्ती करते हैं तू खा, लेकिन आज मैंने वो नहीं खाए। सखा कृष्ण तो खाया है, ये घर में जाकर माताओं के पास जगर चुगली करेगा, और मैं चुगली करने से पहले ना ये सब मेरे नाम पर चुगली करेंगे, अब तो इनकी बात में जल्दी जल्दी आ जाती है। लेकिन हर माता को ना बच्चों का करतो तो हर माता को पता है मेरे लाला कैसे, सब बातें जानती है। इतने में बोले ताऊ क्या झूठ बोलेगा? ताऊ बताओ सच सच सच, क्या कृष्ण मिट्टी खाएगी नहीं? ताऊ भैया भी गवाह देंगे। बोले मैया ये जो ताऊ भैया है ना, ऊपर में देखने में तो गोरो है लेकिन अंदर में बड़े कालो है, लेकिन मैं ऊपर में तो कालो हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ। बोले इसका मतलब क्या है? बोले बलदेव से गोरे अंदर में काले, मतलब क्या है? हर समय बलदेव प्रभु कृष्ण चिंतन करते हैं, इसलिए आप ब्रज में जाओगे ना कहीं भी बलदेव प्रभु को गोरे नहीं देखोगे, सब जगह देखो काले काले, कि वो कृष्ण चिंता करते करते काले। बोले मैं ऊपर तक कारो हूँ लेकिन अंदर में गोरो हूँ, मतलब क्या है? राधा रानी गोरी, मेरे हृदय में राधा रानी बैठी हुई, मैं राधा रानी की चिंतन करता हूँ लेकिन अंदर में मैं गोरो हूँ। इतने में मैया जसोदा कृष्ण बोले यहाँ पर खड़े बताओ, जब बढ़िया कथा सुन जाकर बात बंद करो यहाँ पर जब बैठ जा। इसलिए मैया जसोदा कृष्ण ने कहा मैया अगर मैंने मिट्टी खाई मुंह से तो मिट्टी खाई। बोले हाँ, मेरे मुंह खोल कर देख ले, मुंह में तो अभी मिट्टी लगा होगी ना। लेकिन कृष्ण सोच रहे थे शायद मैया कुछ बोले ही नहीं, लेकिन मैया तो एक धमकी दी, मेरे मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। जब धमकी दी ना, इतने में फड़ोड़ा को सजेगा, इतने में मैया जसोदा की जब धमकी दी, डर के मारे कृष्ण का मुंह तो खुल गया। जब
जब खुल गया इतने से छोटी मुंह में इन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया, कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, कितने नदी, कितने चंद्र, सूरज, उन्होंने सब कुछ उन्होंने छोटी सी मुंह में उन्होंने दिखा दिए। और मैया जसोदा तो खुद को खुद देख रही थी, बोले भगवान क्या मैं अलाई बलाई देख रही थी। इतने में तो मैया जसोदा आंख बंद कर दी, आंख बंद कर जब फिर आंख खुलती है ना, वही छोटा सा मुंह और कुछ है ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं। देखो आप लोग बताओ मिट्टी खाएगी नहीं, अरे बोलो कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं खाए थे ना, लेकिन यहाँ पर कृष्ण बोल दिए मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेगा क्या कृष्ण झूठ बोले तो कोई दोष नहीं, और जब हम झूठ बोलते हमारी दोष है, दुनिया ये बोलेगा ना। लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं कृष्ण कभी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक में बताया सत्यम परम धीमहि। कृष्ण कौन है यदि ये परम सत्य भगवान है। इसलिए कृष्ण जब कृष्ण मातृगर्भ में आए उसी समय में सारे देवता लोग प्रकट होकर के भगवान को जब गर्भस्थुति कर रहे थे, बोल रहे थे सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनि नीतम च सत्ये सत्य स सत्यामृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपत्ति। सारे देवता एक वाक्य में बोल रहे थे भगवान कौन है जो पहले सत्य थे अभी इसलिए उनको सनातन तो सनातन कहते हैं। अगर भगवान ने अगर झूठ बोलेंगे सारा दुनिया क्या बोलेगा, क्या भगवान दोष नहीं, जब हम झूठ बोले हमारी दोष है, ठाकुर जो झूठ बोलते मिट्टी को पूरा पूरा मिट्टी खाए और मैया पूछे तो उन्होंने सीधा उन्होंने सफेद झूठ बोल दिए। लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं नहीं ठाकुर कभी झूठ बोलते नहीं, ठाकुर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोले अभी मिट्टी खाई, अभी अभी तो बोल दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ देखो ध्यान देने से इसमें उन्होंने दो उदाहरण बताया है। कहते कि वल्लभाचार्य हुए बहुत बड़े संत हैं, वो प्रमाणित करते हैं कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोलते हैं। बोले खाना किसको कहते हैं, खाना किसको कहते हैं, जब हमसे कोई चीज अलग हो ना, जब वह चीज को खाए उसको तो खाना कहते हैं ना। लेकिन कृष्ण जब मुंह खोले उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दिखाया। बोले मैया तुम कहते हो मिट्टी खाई, मैंने मिट्टी खाई कब, विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही नहीं है, देख ले तेरे को विश्वास नहीं होता। उन्होंने छोटी सी मुंह खोले तो विश्व ब्रह्मांड को दिखाया। बोले तू जो कहते हो मिट्टी विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में ही है, अरे मैंने खाया था बताओ। ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, बोले ये संस्कृत शब्द है। बोले ना अहम भक्षितवान हो, जब ना अहम जब इसको संधि करते हैं ना, ये ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई। लेकिन जब उसको संधि विच्छेद नहीं करके जब उसको एक वार कर देते हैं वो होता है ना। ना हम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले भैया तुम मिट्टी की बात क्या करते हो, देख मेरे मुंह ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रहे, देख ले विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं ठाकुर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अगर ठाकुर झूठ बोले ना विश्व ब्रह्मांड ही झूठा हो जाए। कितना सत्यं परम द्विगहि सत्यमेव जयति, जगत में जय किसको होता है, सत्य का ही जगत में जय होता है। इसलिए ठाकुर को भी झूठ बोले नहीं। कहते भगवान मिट्टी खाए तो क्यों खाए, कारण क्या है, उसका एक कारण बताए। बोले माँ ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, कहते ये ब्रज रज की इतने महिमा, ब्रज रज की विश्व ब्रह्मांड की ब्रज रज की प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोग आगे सुनेंगे जब ब्रह्मा कृष्ण के बछड़े और सखाओं को चोरी की, जब उनको पता चला ये भगवान है, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं
बोले हे प्रभु मेरे को ब्रज में पत्थर जन्म दे दो। बोले कहां पर? बोले ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनके घर के सामने अगर मैं पत्थर बनाकर रहूंगा, जब कोई ब्रजवासी मेरे को पत्थर बांध करके अपना चरण रगड़ेंगे, जब उनकी चरण धूलि मुझे मिल जाएगी, ये जीवन मेरी धन्य हो जाएगी। ये कौन कह रहे? बोले ब्रह्मा जी कह रहे। उद्धव जी जब ब्रज में आए, जब उन्होंने ब्रज को देखे, गोपी प्रेम को देखे, और विशेष करके जब उन्होंने श्री राधा रानी की प्रेम को देखे, कहते ना उद्धव सुध हे गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय टुंटू की प्रेम को देखा। उद्धव कहता है बोले हे प्रभु, बोले आशा महो चरण रेणु जो सांग महंग स्या वृंदावन की मफी गुलमल तो से बिना। कहते ठाकुर जी ब्रज की हमें घास बना दो। बोले घास क्यों बनना चाहते हो? बोले ब्रज की गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे, चल करके तो जाना ही पड़ेगा, अगर मैं घास बन करके रहूंगा ना उनकी चरण की धूल बन जाऊंगा। दूसरी चीज बोले यहाँ की लता पता बना दो। बोले लता पता क्यों बनना चाहते हो? बोले कृष्ण जब कुंज कुंज में प्रभु लीला करेंगे, अगर मैं लता पता बना रहूंगा ना ठाकुर जी की लीला दर्शन हो जाएगी। बोले यहाँ की औषधि वृक्ष बना दो। बोले क्यों? बोले कभी बीमारी पड़ी तो दवा लेंगे, जब दवा लेंगे उनके हृदय में चला जाऊंगा। उद्धव जैसे व्यक्ति उनकी चरण की धूल को वंदना करते हैं, इसलिए कृष्ण बोले मैया तू ये सोच रहे हो ये ब्रज रज को मैं अकेला खाया, नहीं मैया देख ले ये ब्रज रज को विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज रज के लिए तरसते हैं, ये ब्रज रज मैंने सभी को मैंने ये ब्रज रज दिया है, है? इसलिए भगवान कृष्ण ये ब्रज रज को ठाकुर जी ग्रहण किए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब कृष्ण धीरे धीरे और थोड़े से बड़े हुए, अभी कृष्ण ने देखा जब मैं मैया की गोद में बैठ करके दूध पीता हूँ, ये ब्रज में जितने वृद्धा गोपियां हैं ये सोचती है कृष्ण किया कभी हमारे घर में आएंगे, कृष्ण को गोद में बैठा करके दूध पिला पाए, इनकी मन में भावना है। मैया जसोदा जब उनको मक्खन खिलाती है, अभी गोपियों की मन में भावना है भैया कृष्ण किया कभी घर में आएंगे, हमारी मक्खन को ठाकुर कभी ग्रहण करेंगे। अभी कृष्ण ये ब्रजवासियों की महिमा, ब्रजवासियों को इच्छाओं को जान करके कृष्ण एक दिन कृष्ण सखा आज एक हम नया खेल खेलेंगे। बोले भैया कौन सा नया खेल है? बोले घर घर में मक्खन चोरी कर गए, घर घर में चोरी कर गए, चोरी गंदा बात है। बोले थोड़ी कोई खाने हम थोड़ी रुपया पैसा की चोरी करेंगे, हम खाने पीने का चोरी करेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अभी कृष्णा सोच रहे हैं दूसरे घर से मक्खन चोरी करने से पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ, सक्सेसफुल हो जाता हूँ। अगर अपना घर में अगर मैं सक्सेसफुल हो गया फिर तो दूसरे घर में भी चोरी कर सकता हूँ। एक दिन मैया की नजर को बचाते हुए कृष्ण अपना घर में उखल के ऊपर खड़े होकर प्रभु मक्खन चोरी कर लेते। नंद बाबा का घर है, कैसे घर है? हीरे जवाहरात से बना हुआ। पिलर कैसे है? मणि स्तंभ है, पिलर उनकी मणि स्तंभ से बनी हुई। इसलिए कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे, कृष्ण का जो परछाई है ना ये मणि स्तंभ के ऊपर इनकी परछाई पड़ा। जब परछाई पड़ा कृष्ण तो अभी 2.5 साल के हैं। अभी कृष्ण को ये भी पता नहीं परछाई कोई चीज होता है। कृष्ण जब मक्खन खा रहे थे उनको ऐसे लगा जैसे मैं अपना घर में मक्खन खा रहा हूँ, मेरे घर में मेरे जैसे कोई और एक भी आ करके वो भी मक्खन खा रहा है। भैया लगता है इसने तो देख लिया, मैया को शिकायत कर देगा, इसलिए इससे मैं दोस्ती बना देता हूँ। बोले दोस्ती कैसे बनाएंगे? बोले कुछ खिलाओ और उनसे कुछ खाओ फिर दोस्ती बन जाएगा। कृष्ण ने कहा भैया तू भी मक्खन खा मैं भी मक्खन खाता हूँ, लेकिन मैया को बोल मैया को बोलना नहीं। अभी परछाई भी वही बोला, कहते ना चोर चोर मौसे भी आए
परछाई भी बोला तू भी खा, मैं भी नहीं बोल खा, लेकिन बोलना नहीं। कृष्ण परछाई से तो लड़ाई कर दिया, बोले तू मेरे घर में आकर मथन खा रहे हो और मेरे को उपदेश दे रहे हो, वो परछाई भी वही बोला। कृष्ण तो परछाई से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। अभी मैया दूसरे घर में काम कर रही थी, बोले भैया घर में तो कोई नहीं, अरे ये कृष्ण किससे लड़ रहा है। मैया धीरे धीरे आकर के देखा कृष्ण अपना परछाई के साथ में ही लड़ रहा है। मैया ने बोला अल्लाह तू किससे लड़ रहे हो। इतने में कृष्ण ने देखा, भैया मैया भी देख लिया, कृष्ण तो छलांग लगाए, वो जो पिलर था ना पिलर को इसे पकड़ लिए। बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर घुसा आया है। बोले कहां? बोले इसके अंदर में। भैया ने बोला देखो ये कितने भोले वाले हैं, अपना परछाई को कहता है घर में चोर आ गया। बोले ये बताओ घर में तो चोर आ गया, लेकिन तेरे हाथ में मखन कैसे आ गया। बोले भैया ये भी सच है। बोले भैया तुमने जो कंगड़ा पहना दिखना वो गर्म हो गया था, उसको मैंने मखन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था, पहले मुंह से कैसे मखन आया। बोले भैया ये भी सच है। बोले भैया मुंह में भी चिट्ठी चल रहा था, अभी वो चिट्ठी को हटाने के लिए गया ना, इसलिए मुंह में मखन लग गया। भैया बोली लाला तू मेरे अकेले लाला हो, जो कुछ बनाती हो तेरे लिए, फिर ये सब चोरी करने क्या क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार चोरी किया तो पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ा जाऊंगा। ऐसे ही कृष्ण घर घर में कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे। एक दिन एक गोपी को घर में कृष्ण पहुंचे, जब पहुंचे वो गोपी सोच रही थी आज कृष्ण को मैं घर में अपना बांध करके रखूं। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब आते हैं एक बार तो दर्शन होता, लेकिन कृष्ण जब चले जाते हैं ना है? कृष्ण जब चले जाते फिर दर्शन नहीं हो पाता। जब कृष्ण घर में आए मक्खन खाए इतने में गोपी को पकड़ ली, पकड़ करके सोची मैं घर में बांध करके रखूंगी और पास में बैठ करके ना खूब प्रेम से कृष्ण के मुंह को दर्शन करूंगी। इतने में कृष्ण को पकड़ लिए, बोला आज कहाँ जाओगे, तेरे को मैं घर में बांध करके रखूंगी। बोले गोपी भविष्य में कभी तेरे घर में नहीं आऊंगा, इसलिए आज छोड़ दे। बोले नहीं इधर आके खंभे के ऊपर हाथ रख। जब गोपी कृष्ण को बांधने के लिए गई, भगवान का शरीर तो मखन से भी कोमल है, वो बंधने में नहीं आए, खिसक जाए खिसक जाए। कृष्ण ने कहा गोपी जीवन में तुमने कभी बंधी गई कि नहीं। बोले नहीं। बोले जब खुद जीवन में बंधी नहीं जाओगी फिर दूसरों को बांधोगे कैसे। बोले कन्हैया तेरे को क्या बांधना आता है। बोले और क्या। बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख खंभे में हाथ रख, हम इस तरह सिखा था। कृष्ण रस्सी लेकर के एक लपेटे दो लपेटे, एक गांठ दो गांठ और गुम गांठ अच्छी तरह से बांध दी। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या तेरी बात क्या। मैं तो बड़े बड़े जोगियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, बड़े बड़े भक्तों को भी अपना प्रेम रज में बांध देता हूँ। बोले कन्हैया रस्सी को खोल दे, रस्सी को खोल दे। बोले गोपी मैंने तो जीवन में सबको बांधना ही सीखा, अभी तक तो मैंने किसी को खोलना सिखा ही नहीं। बस कृष्ण अंगूठा दिखाई ना तो 11 माह से 11 हो गए। ऐसे ही घर घर में कृष्णा जब मक्खन चोरी कर रहे थे, लेकिन गोपियां कभी कभी मैया को जाकर शिकायत करते थे कि गोपी तेरे लाला मेरे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया कहते भैया हमें तो मानना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले जिसकी घर में खाने पीने का कमी होना वो जाकर कहीं मक्खन चोरी करेगा। और नंदा बाबा का घर में कितने गया, कहते 9 लाख गया। अब लोग नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए, हाथ उठाओ तो कौन कौन नंदगांव। देखना अभी भी वहां पर एक कुंड है जिसका नाम छाछ कुंड है, जिसका नाम दूध कुंड अभी भी है। कहते एक दिन मैया यशोदा नंदा बाबा को बोले लगता है मेरे लाला थोड़ा कमजोर हो रहा है। बोले क्या? कल मैं एक दूध का तालाब बना दूंगा और लाला खूब तैरेगा, जितना इच्छा दूध पिएगा। इसलिए अभी भी वो कुंड नंदगांव में है। एक कुंड है छाछ कुंड है, इतने छाछ होता था पीने वाले नहीं होते, उसमें जाकर के उड़ाल देते थे। वहां तो दूध दही की नदी बहती थी ब्रज में है। बोले भैया जिसके घर में कमी होना वो जाकर तो चोरी करेगा, अब मेरे घर में तो दूध दही की नदी बह रही है मेरे घर में है, इसलिए भैया मेरे को तो विश्वास नहीं होता मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करती है।
अगर तुम रंगे हाथों से पकड़वा दो ना, फिर तुम्हें मान जाऊंगी। एक गोपी बोली, ठीक है, कल मैं तुमको जरूर दिखा दूंगी। वो गोपी ने मक्खन बना करके उसने मक्खन बना करके रख दिए और कोने में छुप करके बैठ गई। जब छुप करके बैठी गई, कृष्ण आए। जब उन्हें मक्खन खा रहे थे, गोपी तो कुछ बोली नहीं, लेकिन जब उन्होंने मक्खन खा लिया ना, इतने में वो गोपी जा करके कृष्ण को पकड़ लिया। बोले, कहाँ जाओगे आज? मैया के पास में सीधा ले जाओगी? बोले, गोपी आज छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगा। तेरे सास के पांव पड़ता हूँ, तेरे ससुर की, तेरे कसम की, तेरे बिछुआ के लिए छोड़ दे। बोले, नहीं, मैया मानती नहीं तो घर घर में मक्खन चोरी करते हो, हैं? इसलिए चलो मैया के पास में। अभी कृष्ण को लेकर चल पड़े। जब गई, देखा घर को सामने जेठ बैठे हुए। पहले आपको पता होगा, जेठ को पर्दा करते थे सबके साथ। अभी उन्होंने नंद बाबा को देख करके पर्दा खींच लिया और कृष्ण को ऊपर में कपड़े से ढक दी। बोले, स्त्री स्त्रियों की बात है, पीछे दरवाजे में घूम करके पीछे दरवाजा दिखा लो। अब जब पीछे दरवाजे से गए ना, मैया जसोदे, मैया बोले, कहा बात है? बोले, तुम मानती नहीं ना, तेरे लाला घर घर में मक्खन चोरी करती है। मैं तो लाला को आज लाल रंगे हाथों से मैं पकड़ करके लाई, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है, भगवान ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या होता है? ईश्वर का डेफिनेशन दिया, अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जो सत्य सब ईश्वर, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, दिन को रात और रात को जो दिन कर सकते हैं, और मरे हुए व्यक्ति को जो भगवान अघटन घटन पटे की माया है, हैं? जिस माया को द्वारा भगवान ये दुनिया को नचा रहे हैं ठाकुर जी। जब उन्हें उधर से आए ना, उधर से आते ही जब मैया को बुलाई, उसी समय में मैया कन्हैया को थपथप लगा करके सुला रहे थे पलंग ऊपर। मैया बोली, लाला तो घर में सो रहा है, फिर वो किसको लेकर के वो आई है? ओ बच्चे, बात मत करो बच्चों। इसलिए बोले, कृष्ण तो घर में सो रहा है, फिर वो किसको लेकर के आई है? इतने में मैया बाहर निकाल तो देखा, वो अपना बेटे को ही वो लेकर के आई है। इतने में बोले, भैया क्या बात है? बोले, तेरे लाला को आज मैं रंगे हाथों से मैं पकड़ करके लाई। बोले, मेरे लाला तो घर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को तू पकड़ करके लाए। कहते, इनकी सर के ऊपर में जब उन्हें कपड़े से ढक दिया ना, इतने में कृष्ण क्या बने? उसकी बेटे ही कृष्ण, उसकी बेटे ही बन गई। वो भी अपना घूंघट उतार, अब बच्चे को ऊपर कपड़े उतार कर देखते हो अपना बेटा। अब कृष्ण अंदर में सो रहे थे, कृष्ण आंख को मसल कर हुए कृष्ण वहां से आ गए। बोले, मैया तुमने देख लिया कि गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, हैं? देखो मेरे नाम पर ऐसे ही बदनाम करती है। मैया ने बोली, बोले, तुम मेरे नाम, बेटा का नाम पर तो बदनाम करती हो, मेरे लाला घर से कभी जाता ही नहीं। वो गोपी तो अक्के बक्के चक्के रह गई। बोले, ये दरवाजा तक तो कृष्ण था, लेकिन ये कपड़ा धरते ही बदल कैसे गया? वो गोपी तो बड़ी शर्मिंदा में पड़ गई। जा रहे थे ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से घूम करके आ गए। बोले, क्यों गोपी, तुमने देख लिया ना, तू मेरी बात मानी नहीं और मेरे को जोर जबरदस्ती तू चोर बनाना चाह रहे थे। देखा, मैंने आज तेरे बच्चे को ही चोर बना दिया, भविष्य में कभी मेरे को पकड़ करके लाओगे ना, तेरे कसम को चोर बना दिया। इतने में बोले, गोपी बोले, कन्या को जीत गया मैं, हार गया। ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु जी मक्खन चोरी कर रहे थे। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण से बोली, लाला लगता है तेरा शादी होना पड़ा। मेरी शादी नहीं होगी। बोले, बताओ शादी कैसे हो? पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता है तू कुंवर से कुंवर रह जाओ, तेरी शादी वाली नहीं होगी। कृष्ण ने देखा, भैया गड़बड़ी हो गई, भैया कहते मैं कुंवारा रह जाओ। इसलिए कृष्ण उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल मैया को दिया, हैं? मैया को विश्वास हो गया सचमुच से मेरे लाला कहीं नहीं जाता। देखो आप लोग, ये एक प्रसिद्ध भजन है, आप सब जानते हो,
मैया मोरी मैं नहीं माथ मिठायो है, इसलिए बोले भोर भयो गई अन्न को पाछे मधुबन मोहे पठाए। कृष्ण बोले मैया लगता है मैं तेरे बेटा है नहीं। बोले क्यों? बोले ये बताओ, बोले तुमने सकरे होते ही मेरे को गैया चराने भेज देते हो। बोले चार प्रहर मधुबन भटको सांझ पड़ो घर आयो, दिन भर गैया चराया सांझ को घर में आया और रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं बताओ। बोले हाँ गोद में सोया। बोले ये बताओ, दिन भर गैया चराया शाम को आया और तेरे गोद में रात भर सोया, मैंने मक्खन कब खाए, मैंने मक्खन कब खाए? कृष्ण कहते मैया ये बताओ जो मक्खन को कहाँ रखे थे? बोले छीके के ऊपर। बोले हाँ। बोले मैं इतने छोटा सा बालक हूँ, बताओ मेरे हाथ कैसे वहां पर गया, मैंने कैसे मक्खन को उतार कर खाया? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया क्या बताऊं, ये सखा लोग तो मक्खन छोरी छोरी कर खाते ही और मुंह में जोर जबरदस्ती मक्खन को लगा देते हैं और ये मेरे को चोर बना देते हैं। बोले भैया लगता है मैं तेरे लाला है नहीं, किसने जन्म दे करके मेरे को कहीं फेंक करके चला गया था और तुमने वहां से उठा करके मेरे को ले आई, उठा करके तुमने लाई और तुम मेरे को पालन कर रही हो। क्यों? दुनिया मेरे को चोर कहता, तुम भी मेरे को चोर कहते हो, लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं। जब इतना बोला ना, मैया जसोदा का हृदय तो एकदम पिघल गया। मैया जसोदा की फिर मैया ने कृष्ण को गोद में भर लिए। बोले लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की। फिर कृष्णा वो जो पद बना, देखो सूरदास ने कितना सुंदर उन्होंने पद लिखा है। पहला जो पद है बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही हृदय में नहीं है,
और संतों में जो सबसे बड़े संत कौन है, बोले ये ब्रज की गोपियां ही सबसे ये बड़े संत हैं, इनसे जैसे बड़े जगत में कोई संत है नहीं। देखो आप लोग ने कोई कोई मक्खन बनाए हो, कोई कोई मक्खन बनाए, ये मक्खन चोरी का मतलब क्या, और कृष्ण ये मक्खन चोरी करते हैं मतलब क्या है, क्यों चोरी करते हैं, मक्खन का तात्पर्य क्या है। जैसे जब आप मक्खन बनाओगे ना, सबसे पहले दूध ला करके दूध को गर्म करोगे, बोले ये दूध को गर्म करना मतलब क्या है, बोले जब किसके हृदय में भगवत प्रेम की भगवत दर्शन की उत्कंठा जगे, हृदय में जो ये उत्कंठा यही कहते दूध में गर्म करना, ठाकुर पाने का जो उत्कंठा है। लेकिन अभी दूध गर्म हो गया, जब दूध गर्म हो गया उसमें जमन डालते हैं, कहते भैया ये जमन क्या चीज है, कहते ये जमन वह है जब भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, लेकिन जब तक जीवन में कोई सदगुरु हमें नहीं मिले ना भैया, तब तक हमें भगवत प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरुपाद पद्म हमें जो ये मंत्र प्रदान करते हैं, ठाकुर जी का जो हमें नाम प्रदान करते हैं, यही उसमें जमन है। अभी उसमें जमन डाल दिया, अभी जमन डाल दिया तो फिर क्या बन जाएगा, फिर ये दही जम जाएगा। जब दही उसको बाद में क्या करते हैं, फिर उसको मंथन करते हैं, बोले भैया मंथन क्या है, बोले जैसे हमें गुरुदेव मंत्र प्रदान किए, अभी गुरुदेव से तो मंत्र लिए, जैसे गुरुदेव से तो माला लिए, अगर ये माला को अगर हम माला जप नहीं करेंगे, हम अगर साधन नहीं करेंगे, फिर तो फिर ये भगवत प्राप्ति होगी कैसे। इसलिए ये जो साधन है, कहते जो साधन है यही साधन ही ये मंथन है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु छात्र, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु बोले एक बार हाथ उठा कर बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते कलयुग में जो साधन है सबसे सरल साधन है ठाकुर जी की नाम जप करना, यही कलयुग का ये साधन है। जब हम ये दही मंथन करेंगे, मंथन जब करेंगे क्या होगा, एक तरफ में मक्खन निकलेगा और एक तरफ में छाछ। कहते ये मक्खन क्या है, बोले मक्खन है भगवत प्रेम। हैं, जब हृदय में हम भगवान के लिए साधन करेंगे, पर हृदय में क्या होगा, ठाकुर का प्रति हमारे प्रेम जगेगा। जब ठाकुर का प्रति प्रेम जगेगा ना, फिर क्या होगा, उदाहरण दिया जैसे फूल खिलने पर ये फूल भौरा को पास में नहीं जाता है, ये भौरा के फूल को पास में आता है। जब हमारे हृदय में ठाकुर पर प्रेम प्रकट होगा, फिर आपको कृष्ण को पास में जाने का जरूरत नहीं, कृष्ण रूपी भौरा स्वयं भक्तों का प्रेम मधुओं का आस्वादन करने के लिए भगवान स्वयं भक्तों का घर खाते। इसलिए गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाते, कौन किसको पास में आते थे, कौन किसको पास में आते थे, कृष्ण गोपियों के घर में आते थे। बोले क्यों, इनके हृदय में जो प्रेम है ना, ये प्रेम का एक लक्षण है, श्री कृष्ण आकर्षण चसा, ये भगवान को भी आकर्षण करता है। इसलिए ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की, ध्रुव महाराज नारायण को पास में नहीं गए, नारायण ध्रुव जी को पास में आए। इसलिए जब नारायण भजन की, भजन करते समय जैसे एक व्यक्ति सर धज करके किसी किसी यात्रा में जाता है ना, भगवान वैकुंठ वैकुंठ से जब सर धज रहे थे, भक्तों ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो, आज सर धज कर कहाँ जा रहे हो, बोले ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा, ध्रुव जी को दर्शन करने, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आ रहे, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आ रहे थे, क्या कर रहे थे, ध्रुव जी को दर्शन करने आ रहे थे ठाकुर जी। तो ये भक्ति की विशेष महिमा है, ये मक्खन चोरी का मतलब है, ठाकुर जी मक्खन चोरी नहीं, ब्रज गोपियों का प्रेम को आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी घर घर में जाते थे।
बोले श्री मखन चोर भगवान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। एक नजर कि तेरा सुंदर रूप सलो और अखियन में जादू टोना और मेरे जादू मेरे सरकार तिहारे चरणन में बलहारी मेरे
गोपियां रोज रोज क्यों उलाहना देंगी? ऐसे हो सकता है मेरे घर का मक्खन साग खट्टा है और गोपियों के घर का मक्खन साग मीठा होता होगा, इसलिए मेरे लाला घर घर में मक्खन चोरी करता है। आज मैं स्वयं अपना घर में दधि मक्खन करूंगी, स्वयं में मक्खन बनाऊंगी। लगता है मेरे घर की जो दासियां ठीक ठीक से मक्खन बनाना आती थी, मैया जसोदा घर में ना लाख गैया था, लेकिन उन्हीं गैया में 8-10 विशेष गैया। देखो जिस गैया की काला रंग का वो ना, उसको कहते हैं पद्म गंधा का गैया, मतलब है जिनके दूध से कमल फूल का खुशबू निकलती, ऐसे गैया सहजन नहीं मिलती। मात्र 9 लाख गैया में केवल 8-10 गैया ऐसे, फिर समझो वो गैया कितनी दुर्लभ है, वो बड़ा दुर्लभ हो गया है। मैया ने अपना हाथों से उसने दूध को निकाली, अच्छे तरह से उसने गर्म किया एकदम गड्ढा में। अब लोग बचपन में कभी गांव में कभी गड्ढे में दूध गर्म किए होंगे, मिट्टी के पात्र में गर्म करके उसको रख लेते थे और दूध एकदम लाल और इतने मोटी मलाई बन जाती थी, और उसको मलाई अच्छे तरह से बना करके उन्होंने जमन डाल करके एकदम सवेरे सवेरे दूसरे दिन उठ गए। उठ करके मैया जसोदा दधि मंथन कर रही थी, अब उधर तो मुंह से हाथ में तो दधि मंथन कर रही थी और मुंह में क्या कर रही थी, कृष्ण की कीर्तन कर रही थी। बोले जानी जानी है गीतानी तदबाल चरिता नीच। अब जन्म से लेकर के अभी तक कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं उन्होंने लीलाओं को मुंह में गान कर रही थी और इधर दधि मंथन कर रही थी। माताओं को शिक्षा देती है हाथ में तो जो कुछ कर कृष्ण सेवा के लिए भावना से करो और मुंह में क्या करो, ठाकुर का नाम जप करो, ठाकुर जी का मुंह में नाम लो। बोले गोविंद दामो दर माधव गोविंद दामो दर माधव स्वयं कहते हैं मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति। नारद जी दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं रहता हूँ योगियों का हृदय में, मैं वहां भी नहीं रहता हूँ। बोले रहते फिर कहाँ, बोले केवल एक जगह पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैया जसोदा अपरोक्षा बैठ गया, इसलिए अभी मैया दधि मंथन कर रही है, हाथों में कृष्ण सेवा और मुंह में कृष्ण का कीर्तन कर रही है। इतने में कृष्ण की नींद खुल गई, देखना बच्चों का नींद खुलती ना, पास में देखते मैया आएगी, अभी खुली आग बंद कर देखते मैया आएगी, क्योंकि बच्चों को सवेरे नींद खुलते ही भूख लग जाती है, स्तन पान करती है। कृष्ण ऐसे ऐसे क्या, बोले मैया है नहीं, बोले मैया गई क्या, देखा दूर में बैठ करके मैया दधिन मंथन कर रही है, इधर मुंह से कृष्ण की चुड़िया पहनी हुई थी ना, वो चुड़िया में जैसे कीर्तन कर रही थी, जैसे हम लोग ये मजरा बजाते हैं चुड़िया में जो झनझन आवाज हो रही थी, मानो ये करताल की आवाज, और जो रई की जो घर घर शब्द हो रही थी, मानो जैसे ढोलकी बज रहा है, वो ढोलकी का काम कर रहा था है। इसलिए देखना ये ढोलकी से मृदंग से एक शब्द निकलती है, उसका नाम धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, ये बलदेव प्रभु ढोलकी नहीं, ये साक्षात श्री गुरुदेव बलदेव प्रभु। ये क्या कहते हैं धिक्तांग, मतलब उसका जीवन को अधिकार है, जिनको ये मानव शरीर तो मिला लेकिन बावजूद भी जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये तो उसका धिक्तांग धिक्तांग, उनका जीवन को अधिकार है, उनके जीवन को अधिकार है। कृष्ण पलंग से उतरे, उतर करके आकर के सीधा मैया को पीछे पकड़ ले, बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पिला दे। मैया बोले लाला तेरे को दूध भी पिला दूंगी, तेरे को
मक्खन भी खिला दूंगी, लेकिन था डूब जा, क्योंकि सूर्य उदय हो जाए, गर्मी हो जाए ना, देखना फिर मक्खन नहीं निकलता है। अब देखना मक्खन निकालते बर्फ डालते ना उसमें, ठंडा होकर फिर तो मक्खन निकलती है। इसलिए बोले थोड़ी सी रुक जा, बोले अभी मेरे को भूख लग रहा है, तू कह रही हो मक्खन निकाल लो फिर दूध पिलाओगी। कृष्ण ने देखा जब तक मैया की काम बंद नहीं कर देता हूँ, मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी। कृष्ण आए, दोनों हाथों से रई को पकड़ लिया। मैया ने देखा लाला तो बड़ा दिमाग बता रहे, फिर उन्होंने गोद में लेकर के फिर कन्हा लाला को दूध पिला रही थी। लेकिन जब दूध पिला रही थी, देखो दूध कौन पी रही, भगवान पी रहे। साधारण बच्चों को स्तन पान कराओ, मैया बड़ा आनंद मिलता है। ठाकुर जी स्नान पान करते हैं, कोई साधारण बात है। मैया की रोम रोम खिल रही थी, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी, बारंबार कृष्ण के मुख चुंबन कर रही थी मैया, प्रेम में गदगद हो रही थी। जब दूध पिला रही थी, उधर क्या हुआ, चूल्हे के ऊपर में मैया ने दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी। अभी वो दूध धीरे 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 उफन उफन करके आग में गिरने जा रहा था। बोले क्यों, हमारे टीकाकार कह रहे हैं ये दूध बोल रहा था ये प्राण को मैं आग में ही समर्पण कर दूं। बोले किस लिए, बोले कृष्ण का पेट इतना बड़ा, अभी सुन रहे थे ना विश्व ब्रह्मांड इनकी उदर में, बोले कृष्ण का पेट कभी भरेगी नहीं। बोले मैया की स्तन में कितने दूध है, मान खीर समुद्र है, खीर समुद्र, कभी कृष्ण का पेट भी भरने वाला नहीं, मैया की स्तन भी कभी समाप्त होने वाला नहीं। लगता है मेरे जीवन तो वृद्धा चला जाएगा, इसलिए ये जीवन को मैं क्या करूँ, आग नहीं ये जीवन को मैं विसर्जन कर दूं, अगर कृष्ण सेवा में लग नहीं पाया तो। लेकिन मैया जसोदा तो जसोदा है, जसोदा मतलब सबको जो जस देती है, सबको जो आदर देती है। मैया ने बोली दूध उफनना नहीं, उफन करके आग में नहीं गिरना, अभी मैं तेरे को भी कृष्ण सेवा में लगाऊं, उतना डूब जा। इतने में मैया ने बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा, वो दूध उफन रहा है, थोड़ी सी को बचा करके आऊं। बोले मेरा आधा पेट ही भरा नहीं, बोले तू उतर जाके मेरे को भरपेट स्नान पान करके जाया करो। मैया ने देखा इधर पूत उफन रहा है और उधर दूध भी उफन रहा है, ये दोनों ही उफन रहे हैं, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले स्तन में जो दूध कभी तो लाला को पिला सकता हूँ, आप अगर दूध उफन करके आग में गिरे ना, कहते बच्चे का अमंगल होता है, बच्चे का अमंगल होता है। अरे दूध अगर उफन करके गिर गया, जो मलाई बनती है ना उससे ही मलाई बनती है। इसलिए भैया सोच रहे हैं, भैया पहले दूध रखा करनी चाहिए, है दूध। बोले लाला थोड़ी सी उतर जा, बोले नहीं, जैसे बंदर पकड़ लेते ना ऐसे ही भैया को जोर से पकड़ कर लेते हैं। भैया बोले उतर को नहीं कह सकते, जोर कर पकड़े और वहीं पर बैठा दिए। बैठा करके मैया चली गई दूध रखा करने के लिए। आप देखना बच्चों को जब वो सामने जो कुछ होता है ना फेंक फाक देता है, नहीं, और मेरे को बैठा करके दूध रखा करने के लिए चली गई। अभी दिखाता हूँ कितना दूध रखा करो। इतने में जो इतना बड़ा मटकी थी, कृष्ण सोचा पूरा मटकी को मैं पलटा दूं, लेकिन कृष्ण उन्होंने हिलाया ना और उनसे हिलाई नहीं मटकी। फिर वहां पर देखा एक पत्थर पड़ा हुआ था जिससे सील वाटा कहते हैं ना, उन्होंने उठाया और मार नीचे मार तो मटकी फूट गई और जितने दूध दही जितने दही हो गया था मट्ठा और सब निकलने लगा। कृष्ण खुश हो गए, मैंने मटकी फोड़ दी, बड़े खुश हो गए। जब जब छाछ निकल गई, अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैया को पता चलेगा ना एक डंडा नीचे नहीं सब पीठ को बन पड़ेगा। मटकी फोड़ दी, कृष्ण फिर दूसरे घर में गए, उखलों को खड़े होकर के मक्खन उतार उतार करके जितने कौए बंदर को खिला रहे थे। बोले क्यों, बोले ये बंदर कौन है, बोले हनुमान का वंशज है। बोले भैया तुम लोग रामावतार में मैंने कुछ भी नहीं खिला पाया, अपने आप जंगल से फल खा करके मेरे लिए तुम लोगों ने युद्ध किया, अभी कृष्णा अवतार में कम से कम मक्खन तो खिला, आया मक्खन खा। बोले कौए कौन है, बोले ये काक भूसुंडी के वंशज है, ये काक भूसुंडी नीलगिरि पर्वत गोपर में नित्य निरंतर प्रभु की कथा सुनाते हैं। बोले भैया तुम मेरी कथा सुनाते हो ना, आया तुम्हें भी मक्खन खिलाऊंगा, दोनों को मक्खन लुटा रहे। मैया जब दूध रखा करके आई, वो देखती है घर घर में मट्ठा मट्ठा पूरा दही दही मिला हुआ, देखा मटकी फूटी हुई। देखो पहले कोई पितल का बर्तन नहीं होता था, कोई सिल्वर का
सारे चीजें मिट्टी में होते हैं, सारे चीजें मिट्टी, और मिट्टी चीज में खाना बना करके देखो शुद्ध है और उसका टेस्ट अलग है। यदि जो मटकी थी मेरी सांस का समय की मटकी, और ये मटकी में जिस मटकी में आप लोग तो कभी व्यवहार नहीं की मिट्टी का पात्र व्यवहार की, देखना जिस मटकी में आप दूध दही बनाओ ना, वो दूध पी पी करके घी पी पी करके इतने मजबूत हो जाता है सच में वो मटकी नहीं टूटती है। कहते मेरे सांस के समय की मटकी थी और तूने ये मटकी फोड़ दी। पहले दूसरे दूसरे घर में मटकी फोड़ता था, आज अपना घर की मटकी तूने फोड़ दी। सोचे इसको तो कुछ ना कुछ सजा देनी चाहिए, लेकिन वो गया तो गया कहाँ? देखो चोरी जब चोरी करता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता है, सीआई उसको पकड़ लेता है। लेकिन कृष्ण तो छोटे मोटे चोर है, वो तो सबसे बड़े चोर है। इसलिए बल्लभाचार्य कहते हैं चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, जो मन को चोरी करने वाले, चित्त को चोरी करते, पाप को दुख को जो चोरी करते वो कौन? श्री मक्खन चोर है, ये कृष्ण है, बाकी बिहारी। लेकिन जब वो गए ना, कृष्ण को प्यार नहीं, वो दही लगा हुआ था। जब कृष्ण चलते 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 गए वो चरण का छाप पड़ा हुआ था। इतने में मैया ने उठा दिया लठिया, लठिया उठा करके धीरे 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 से दिल्ली चलते है ना, देखो दुष्ट गया था, देखा वो क्या कर रहा है। फिर मटकी से मक्खन उतार करके खुद खाए तो कोई बात नहीं, जितने कौवे और बंदर को वो खिला रहा था, मैया को तो और ज्यादा क्रोध आ गया। अरे खुद खा कोई बात नहीं, कौवे और बंदर को तुम मक्खन खिला रहे हो, इतना कष्ट करके जो बनाया, बोले भैया इसको तो कुछ सजा देनी चाहिए। इतने में कृष्ण क्या की थी, देखो जो पक्के चोर होता है ना वो क्या करता है, अगर गृहस्वामी जग जाए वो जाएगा किधर, उधर का रास्ता पहले ठीक करके रखता है। कृष्ण ने जो मेन रोड का दरवाजा पहले खोल कर रख दिया, अगर इधर से मैया आएगी ना मैं इधर भाग जाऊंगा। बोले क्यों? बोले पहले माता है घर से भी बाहर नहीं जाती थी, घर में रहती थी, बाहर कोई नहीं जाती थी, मैं तो बच्चा भाग जाऊंगा, मैया तो घर की बहू, ये तो घर से बाहर निकलेगी नहीं। जब इधर मैया आई पकड़, इधर घूम करके देखा तो मैया भी पकड़ने वाली, कृष्ण तो लगाया छलांग और सीधा मेन रोड में कृष्ण निकल गए। लेकिन उसी दिन था दीपावली, उसी दिन सबके सब जो गोप लोग थे वो गोवर्धन में गोवर्धन की पूजा दीपावली मनाने के लिए चले गए थे। गांव में कोई पुरुष नहीं था, सब माताएं थी। मैया बोली कहाँ जाओगे? तो ये सोच रहे हो मैया घर की बहू बाहर नहीं निकलेगी, आज ग्राम में कोई पुरुष है ही नहीं, सब घर में माताएं हैं, माताओं के सामने निकलने में कोई शर्म नहीं। इतने में मैया ने क्या की, कृष्ण को पीछे डंडा लेकर के ना कृष्ण को पीछे भागे। जब कृष्ण भागे, कृष्ण अभी छोटा बच्चा, 3 साल की बच्चा, और कृष्ण भागते जा रहे, और मैया थी थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी भागते ही ना मैया हाँपने लग गए, हैं देखो किसको पकड़ने जा रही है। बोले यद्यपि समाधि सु विधिर अपि पश्यति न तव न खाद्रवत्। भागवत कहता है बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जिनको तपस्या करते करते जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, हाँ बड़े बड़े ऋषि, लेकिन आज मैया जसोदा भगवान को पकड़ने के लिए पीछे पीछे मैया भाग रही है। इतने में कृष्ण सोच रहे हैं भैया कब तक मैया को भगाऊं, मैया को हाँप रही है। इतने में मैया को हाथ में जो लठिया थी ना, बोले लाला इधर देख, खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में लठिया, अभी फेंकू मार करके खड़े हो जाओ वहां पर। इतने में कृष्ण ऐसे हाथ करके कृष्ण खड़े हो गए, बोले मैया मैं तक खड़े ले जाऊंगो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो लठिया है ना, पहले ये लठिया को फेंक दे, ये लठिया से मेरे को डर लग रहा है, है? इतने में मैया बोले तेरे को थोड़ी मैं मारूंगी, तेरे को तो मैं पूजूंगी, अभी तो रुक जा। इतने में कृष्ण को जा तेरे को मैंने पकड़ लिए, जब पकड़ लिए मैया बोले अभी पिटाई करो, ये बता ये मटकी किसने साथी साथी बताओ ना झूठ बताओ। बोले झूठ की क्या बात, बोले भैया तुमने प्यारे में जो इतने मोटे मोटे कौड़ूले पहन करके रखे थी ना, जब तेजी से भाग रही थी वो कौड़ूले लग करके मटकी फूट गई। भैया बोले देखो कितने दुष्ट है, खुद मटकी फोड़ दिया, कहते मैंने मटकी फोड़ दी।
बोले बता दिए कौए बंदर को किसने मक्खन खिलाया? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू बड़ा दुष्ट हो गया है, हाँ तू बड़ा दुष्ट हो गया, लगता है तू बंदर का तुम दोस्त हो। बोले भैया अगर मैं बंदर का दोस्त हूँ, मैं चोर हूँ, फिर मेरे को छोड़ दे, फिर तुम्हें जंगल में जाकर के बंदर के साथ में रहूंगा, तेरे घर में मैं नहीं रहूंगा। अब देखना बच्चा का जब क्रोध आएगा दिमाग में जो आता है वही कर डालता है, दिमाग में जो आएगा सो कर डालता है। अभी भैया सोच रही है थोड़ी समय के लिए इसको मैं बांध करके रख लेती हूँ, देखना बच्चों का क्रोध थोड़ी देर में फिर शांत हो जाएगा, जब कृष्ण शांत हो जाएगा फिर मैं खोल दूंगी। भैया ने अपना चोटी से रेशम की रस्सी को निकाली, बोले तू खाल और ये उद्दू खाल, दोनों मिल करके तुम लोगों ने मक्खन चोरी की, आज मैं तुम दोनों को ही मैं बांध करके रखूंगी। लेकिन भैया ने जब बांधने के लिए गई ना, उसमें दो उंगलों कम पड़ गया। कितना कम पड़ गया जोर से बोलो, कितना कम पड़ गया? दो उंगलों कम पड़ गई। मैया गोपियों को बोली, बोले और एक रस्सी ला, लेकिन और एक रस्सी का आंख लगा, फिर जब बांधने के लिए गई फिर दो उंगल कम पड़ गई। मैया बोले और एक रस्सी ले आ, बोले मैया तेरे लाला की ललाट में विधाता ने ये बंधन नहीं लिखे, तू कैसे अपना लाला को बांधोगी? बोले क्या मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ, इसके मैं बांध करके ही मैं रहूंगी, मैं बांध करके ही रहूंगी। अभी सारे गैया की रस्सी खत्म, लेकिन जो दो अंगुल है ना इसी तरह से पूरी नहीं पड़ना है। मैया के शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, सबर से शाम तक हो गई मैया, हिमशिम खा गई, जब किसी तरह से बांध नहीं पाई, अपना गृह देवता नारायण का चरण में शरणागत हो गए, बोले नारायण ये सबर से शाम हो गया, इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ, तेरी चरण में मैं शरणागत हो गई, मेरी लाज को तो बचा। जब उन्होंने ठाकुर जी की स्मरण किया ना, माँ की परिस्थिति देख करके झट भगवान बंधन स्वीकार कर लिया, फिर ठाकुर जी को उन्होंने बांध दिया। देखो यहाँ पर मैया जितने उसमें रस्सी की गांठ लगाया करते तो दो उंगल कम पड़ती थी, लेकिन कभी तीन कभी चार कभी पांच उंगल नहीं, जितना बांधने के लिए कोशिश करे दो उंगल। भैया ये दो उंगलों क्यों कम पड़ता था, इसका क्या रहस्य है? देखो इसके रहस्य को समझो, बहुत अच्छी बात इसमें समझाया है, हाँ बहुत अच्छी बात, अगर इतनी सी बात आप समझ गए ना, समझो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। जो पहला अंगुल है, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है, ठाकुर हमें कैसे मिले, ठाकुर कैसे मिले, ये पहला अंगुल है। बोले दूसरा अंगुल क्या है, भगवान जो भक्तों की चेष्टा को देखते हैं, उसकी परिश्रम को देखते हैं, फिर भगवान कृपा करके उसकी बंधन को तभी स्वीकार करते हैं। तब स्वीकार करते हैं, देख लेना जैसे माँ घर की काम कर रही है, बच्चा सो रहा है, जब बच्चे का नींद खुल जाए बच्चे को भूख लगता है, फिर बच्चा रोता है, जब रोता है मैया सोचता है कोई बात नहीं रोसी बना रही हूँ, अभी अभी रोसी खत्म हो जाएगी, लाला को दूध पिला दूँ। लेकिन देखा बच्चा जो थोड़ी सी रो करके देखा मैया फिर आई नहीं, थोड़ा ज्यादा फिर रोता है, भैया कान में आवाज पड़ी मैया मेरे को दूध पिला। लेकिन जब ज्यादा थोड़ी रोता है मैया सोचती कोई बात नहीं अभी अभी काम खत्म हो जाएगी, लाला को मैं दूध पिला दूँ। जब बच्चा देखता है ना भैया अभी भी नहीं आई, फिर बच्चा क्या करता है ना, फिर जमीन पर लोट पोट खाने लग जाता है, रो रो कर जमीन पर लोट पोट खाने लग जाता, जब लग जाता है मैया बच्चा का रोना देख करके जो काम कर रही ना वो काम को आधा में ही छोड़ कर क्या करती है, आकर तुम बच्चे को अपना गोद में उठा देती है। उसी तरह जब तक हम नहीं रोए भगवान की हृदय गर्भीत नहीं है, रोना मतलब क्या है, जब तक हम साधन के लिए चेष्टा नहीं करेंगे। जैसे देखो मैया ने सबर तक शाम तक उन्होंने सबर से लेकर के शाम तक कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश की। देखो हम किस चीज को बांध सकते हैं जो सीमा विशिष्ट हो, लेकिन भगवान को नहीं, असीम है भगवान, अनंत है, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, जिसके बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, फिर उसको कैसे बांध हुए, जिसके विश्व ब्रह्मांड जिसके उदर को अंदर में तुम उसको बांधो कैसे? हाँ बांध सकते हैं, केवल प्रेम को द्वारा ही उसको बांध सकते हैं,
इसलिए मैया ने क्यों बांध नहीं पाई? कारण क्या? बोले कारण मैया सोच रही थी अपना चेष्टा सही कृष्ण को बांध दूंगी, भैया अपना चेष्टा से बांध नहीं सकते ठाकुर जी को, है फिर कैसे बांध सकती हो जब ठाकुर जी के चरण में तुम शरण रख लिया हो। मैया ने तब तक बांध नहीं पाई जब तक अपना चेष्टा से कोशिश की, बांध करके रहूंगी बांध करके रहूंगी, लेकिन बंधन कब स्वीकार किया? जब उसने अपना चेष्टा छोड़ दी, ठाकुर जी तुम्हारे लाज बचा दे, सवेरे से होकर के शाम हो गया अभी तक भी कृष्ण तुम्हें बांध नहीं पा रही हूँ, सब गोपियां खड़ी होकर खिले उड़ा रही है ठाकुर जी, तो सीता तब भगवान क्या है? कृपा की, जब कृपा की ना कृपया असीत स्वबंधने, फिर भगवान उन्हें बांध दिया। इसलिए एक अंगुल मतलब होता है भक्तों की साधन चेष्टा, दूसरा अंगुल होता है भगवान की कृपा, जब दोनों मिले तो फिर काम करें। ये एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण दिया है कहते एक बंदर और एक बिल्ली। यहाँ बंदर है, हम लोग बंदर देखे हो कि नहीं? बंदर देखे हो? कौन कौन बंदर देखे? सब बंदर देखे। देखना बंदर जब बच्चा जन्म देता है, देखना बंदर को बच्चा, बंदर कभी बच्चे को नहीं पकड़ता है, जब बंदर होता ना देखना उसका बच्चा बाप ऐसे पकड़ कर रखता है, अब वो बंदर यहाँ से वहां वहां से वहां कुदक कर रहता है, उसका एक नियम है, अगर बंदर का बच्चा अगर पकड़ नहीं पा कर अपने आप गिर जाएगा ना मैया फिर उसको उठाएगी नहीं, ये बंदर का नियम। तब तक बंदर मैया रखेगी जब तक वो बच्चा जोर करके पकड़े, वो यहाँ से छलांग लगाती रहेगी। एक बंदर, दूसरा है बिल्ली। बिल्ली देखे हो? कौन कौन बिल्ली देखे हो? आप देखना बिल्ली, देखो ये दो चीज उदाहरण दिया है, ये बिल्ली जब बच्चा देता है आप देखना बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है, उसकी मैया मुंह में पकड़ करके 10 बार बदलाई, मुंह से पकड़ कर वहां से वहां वहां से वहां वहां से 10 बार उसको बदलाते रहेगी, है पूरा घूमते रहती है, लेकिन बिल्ली की बच्चा कुछ नहीं करता है, जो कुछ करना बिल्ली करता है, लेकिन बंदर का बच्चा क्या करता है? बंदर की माँ कुछ नहीं करती, कौन करता है? बच्चा माँ को पकड़ कर रखती। इसमें दो उदाहरण दिया है, बोले ये दो उदाहरण मतलब क्या है? ये तो बिल्ली का जो उदाहरण है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, अरे ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं था, हम क्या कर सकते हैं, हाँ जब ठाकुर करेगा तो होगा, कुछ लोग ऐसे हैं ठाकुर जब करेंगे तो होगा, कहती है बिल्ली का उदाहरण। बंदर का उदाहरण क्या है? जैसे बंदर का बच्चा पकड़ता है जोर से, बंदर का उदाहरण मतलब हम स्वयं साधन करके हम भगवत प्राप्ति स्वयं कर लेंगे, अपना चेष्टा से कर लेंगे, कहती है बंदर का उदाहरण है, लेकिन ये दोनों ही फेल है, कहती है दोनों ही फेल है, क्योंकि बंदर में जो ये है साधक अपना चेष्टा से जो प्रभु प्राप्ति, ये भी है, अगर कोई सोचता है नहीं जब ठाकुर की इच्छा करेंगे तब होएगा, उसकी बगैर इसकी इच्छा के बगैर तो पता भी नहीं लगता है, यदि ये दोनों ही थे फिर क्या कर, बोले दोनों को जोड़ लो, ये दोनों को जोड़ लो। जोड़ लो मतलब क्या? बोले बंदर का बच्चा जैसे चेष्टा करता है हमें चेष्टा करनी पड़ेगी, जैसे आप तो सबर रोटी खाते हो ऐसे रोटी थोड़ी खा लेते हो, कितने कष्ट किया, 20-25 साल की पढ़ाई किए होंगे, PhD डॉक्टर इंजीनियर बने होंगे 20-25 साल तक, उसके बाद में नौकरी भी जाते होंगे, 8-8-10 घंटे काम करते होंगे, फिर पैसा लाते होंगे, फिर उसी पैसा से क्या फिर लाते होंगे साग सब्जी, फिर आटा लाते होंगे, फिर पत्नी बनाती होगी, तब तो मुंह में जाता है, तभी तो मुंह में जाता है, क्या बैठे बैठे अपने आप मुंह में चली जाती है अपने आप नहीं जाती है, इसके लिए आपने कितने परिश्रम किए होंगे तभी जाकर ये काम होंगे, अपने आप मुंह में नहीं चली जाती है। इसलिए बंदर का चेष्टा मतलब है हमें भी भगवान की भक्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोते रहने पर नहीं होगा, भगवान का नाम जप करो, तिलक करो, गीता भागवत पढ़ो, भगवान की भक्ति को चेष्टा करना पड़ेगा, लेकिन वो चेष्टा कैसे होनी चाहिए? बोले बिल्ली की जैसे, ठाकुर जी हम तो चेष्टा कर सकते हैं लेकिन जब तक आपका कृपा नहीं होगा ना तब तक ये चेष्टा हमारी फलीभूत नहीं होगी, हाँ जैसे भैया ने चेष्टा की लेकिन जब कृष्ण की शरणागत होकर चेष्टा की फिर भैया ने कन्हैया को बांध दी। इसलिए दोनों हमें चीज चाहिए, साधक और भगवान की कृपा, जब वो दोनों मिल जाए ना फिर तुम्हारी काम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ठीक से लगा हुआ, घर का सारे काम काज अभी पड़ा हुआ, कुछ भी घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ, कपड़े लते घर में सफाई वफाई अभी तक तो कुछ नहीं की, तेरे पीछे सवेर से साफ हो गया, तू नहीं पड़ेगा, अभी मैं घर का काम करती हूँ। जब काम करने के लिए गई, इतने में सखा लोग ने बोले कन्हैया आज मैया तेरे को बांध दिया। बोले हाँ, बोले अभी हम खोल देते हैं। सखा ने कोशिश की लेकिन खोल नहीं पाए। बोले क्यों नहीं खोल पाए? वो जो बंधन है प्रेम के बंधन है, भगवान के बात्सल्य प्रेम में ठाकुर जी बंधे हुए हैं, वो प्रेम को साधारण व्यक्ति खोल ही नहीं सकते। इतने में कृष्ण सामने देखा दो वृक्ष है, वो जमज वृक्ष, जमला अर्जुन वृक्ष। ये पूर्व जन्म में कुबेर का दो बेटे थे, एक शंकर की एक सुंदर बगीचा थी, जिसी बगीचा में वो दोनों रखवाली कर रहे थे। एक दिन स्वर्ग के अप्सरियों को लेकर शराब पी करके एकदम नंगे होकर के जल में विहार कर रहे थे, और नारद किसी कारण से उधर से जा रहे थे। इनको देख करके उनकी जो पत्नियां पानी से कूट करके कपड़े से शरीर को ढक दी, पेड़ को नीचे छुप गए। लेकिन ये जो दोनों थे ना, नारद जी को ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। बोले बाबा कोई काम धंधा नहीं, रंग में तुमने भंग कर दिया, और कोई रास्ता नहीं मिला, इधर ही रास्ता तेरे को मिल गया। नारद जी ने देखा कहां स्वर्ग के कुबेर, इतने बड़े भक्त, उनका दो बच्चे, और तो शराब पी करके नंगे होकर जल भी आए, कोई संत आए और क्रोधित होकर आप फाड़ फाड़ कर देख रहे हो। जैसे नंगे है ना, ऐसे वृक्ष जन्म को प्राप्त हो गया, तब सारे नशा तेरे उतर जाए। उनको जब अभिशाप दे दिया, अभिशाप देते ही वो धीरे धीरे पेड़ बनना शुरू हो गया, अभी उनकी सारी नशा उतर कर आ गया। फिर नारद जी के चरण में गिर पड़े, बोले बाबा हमारी अपराध हो गई, बताओ ये अपराध कैसे माफ होगा, जाओ तुम ब्रज में ये वृक्ष जन्म होकर के जन्म लो, जब कृष्ण आएंगे चरण स्पर्श से मुक्ति मिलेगी। अभी नारद जी की वाक्य रक्षा करने के लिए ठाकुर जी सखाओं को बोले सखाओं ये उखलों को पीछे से धक्का मारो। जब उन्होंने पीछे से धक्का मारी, कृष्ण दोनों वृक्ष को बीच में होकर जब चले गए, अभी उखल अटक गया, कृष्ण थोड़ी ताकत लगाया ना, दोनों वृक्ष धराम करके दोनों तरफ में गिरे। गिरे तो जमलाल जी स्वयं जो दो देवता थे नाल कुबेर और मुनि गिरी, बड़े सुंदर रूप लेकर प्रकट हुए, ठाकुर जी के चरण में प्रणाम की, ठाकुर को परिक्रमा किए। बोले ठाकुर जी एक ही आशीर्वाद करो, जब तेरे संतों को देख लेना जैसे सर झुक जाए, क्योंकि अगर नारद जी को देख करके अगर प्रणाम कर लेते, इनको अपमान नहीं करते, हमें वृक्ष जो प्राप्त नहीं होता। इतना ही करो संतों, जैसे उनको प्रणाम करके ही आशीर्वाद करो। जब चले गए, जब गिरी ना, बड़ी जोर से आवाज हुई, इतने जोर से आवाज हुई जैसे कोई बज्र गिरा, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले क्या हो गया, क्या हो गया ब्रज में? नंद बाबा भागते भागते आए, देखा दोनों तरफ में दोनों वृक्ष, सत्यजीव का ये वृक्ष है, विशाल वृक्ष थे गिरे हुए, और कृष्ण एकदम बीच में फंसे पड़े हुए। अगर थोड़ी सी पेड़ इधर उधर होता ना, बस कृष्ण को ऊपर गिर जाता। नंद बाबा जल्दी जल्दी आए, आकर उन्होंने रस्सी को खोल दिए। देखो बच्चों का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अगर मैया थोड़ा डांट लगा दे, मैया थोड़ा पिटाई कर दे, डांट लगा दे, अगर पिताजी आगे में थोड़ी सी प्रेम करने लग जाए, बच्चा रोने लग जाता है, ये बच्चों का स्वभाव है। जब नंद बाबा आए, उखल को खोल दिए और पकड़ से एक लड्डू लेकर के कन्या को दे दिए। बोले बांधा किसी ने? बोले मैया। बोले खोला किसी ने? बोले बाबा। बोले खूब मैया मैया करते हो, अभी बताओ किसको पास में रहोगे? बोले मैया को पास में नहीं रहोगे, बाबा को पास में रहोगे। मैया तो मेरे को मारती रहती है और बाबा मेरे को बड़े प्यार करते हैं, मैं और माँ को पास में नहीं जाऊंगा, बाबा के पास में रहूंगा। इतने में मैया, नंद बाबा ने मैया को बड़े डांट लगा। बोले एक दो मटकी तो फोड़ा होगा, और तो कुछ नहीं, और इसी के लिए इतना बड़ा दंड, इतने कष्ट से हमें एक लाला मिला। अभी अगर दोनों पेड़ अगर लाला को ऊपर गिर जाते, अगर आप लाला का राम नाम सत्य हो जाते, लगता है तेरे को मखना और मटकी में ज्यादा लोग है आसक्ति, तू उसको लेकर रहा करो, मैंने तो ये दोनों बालों को लेकर मैं विदेश जा रही हूँ। डांट लगाई बाबा, मैया इतने दुखी हो गई। बोले मेरे हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, इन्हीं हाथों से मैंने लाला को कैसे बांध दिए? नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में कृष्ण बलराम को लेकर गए, वहीं पर स्नान कराया। धारस नदु भी आते हो, जैसे गैया एकदम दोहन भरना, कितना दूध एकदम गर्मी गर्मी रहता है, वो दूध में बड़ा प्रोटीन होता है,
हाँ वो दूध गर्म गर्म रहता है, उसने मैंने मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को मैंने दूध पिला दिए। दूध पिला करके नंद बाबा शाम को घर में आए, जब आए मान घर में लड़ाई हुई, पति पत्नी में लड़ाई हुई, मैया आके कोने में बैठ करके रो रही है, नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के कोने में बैठ हुई। अभी उनकी मीमांसा कैसे हुई? अगर कोई तीसरा व्यक्ति होना फिर ये मीमांसा कर सकते। तीसरा व्यक्ति कौन है? बोले घर में बलदेव प्रभु का माँ रोहिणी। रोहिणी मैया ने देखा अभी कृष्ण को नंद बाबा का गोद से उठा करके अगर मैया जसोदा की गोद में छोड़ दिया जाए ना हो जाएगा। तो उन्होंने बलदेव प्रभु को बोले ताऊ एक काम कर, कन्या को नंद बाबा का गोद से लेकर मैया की गोद में छोड़ दो। जब बलदेव प्रभु ने कहा हाँ चल मैया को पास में चल, जब कृष्ण का हाथ पकड़ना कृष्ण इतने क्रोध में थे कि झटका मारे, एक झटका मारे तो वही पर बलदेव प्रभु गिर पड़े। मैया रोहिणी बोले कन्हा मैया को पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं मैया तो मेरे को मारती है बाबा, इसलिए मैं बाबा को पास में रहा करूंगा। मैया रोहिणी ने बताया अगर बाबा को पास में रहोगे बताओ दूध कहाँ से मिलेगा? दूध तो बाबा के पास में नहीं मिलेगा ना, दूध कहाँ मिलेगी? माँ के पास में तेरे को दूध मिलेगी हैं? तो ये बताओ तू तो सो गए किसको पास में? लेकिन कन्हैया का एक आदत था, क्या आदत है बच्चों को जब तक तो मैया को पास में नहीं सोने उम्मीद नहीं हैं, ये बुरी आदत है। बोले फिर किसको गोद में सोओगे? बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगा। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले ताऊ भैया को साथ में। बोले मैया को पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं बाबा मेरे को बड़ा प्यार करते, माँ तो मांगती रहती है इसलिए माँ के पास में नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा मैं? पिताजी के पास में रहूंगा। इतने में श्री रोहिणी मैया बोली अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, अगर मैया ऐसे होगी मतलब क्या, अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगी? इतना बोलते ही ना कृष्ण को तो रहा नहीं गया, मैया करते करते सीधा माँ की गोद में जाकर लेट गए। जब लेट गए मैया जब लाला को गोद में पाए मैया तो फूट फूट कर रोने लग गई और वहां जितने ब्रजवासी थे ना सत्य से रो रहे थे। इसलिए सत्य व्रत ऋषि कहते हैं इति द्री की सलीला भिलानंद कुंडे। ठाकुर जी ऐसे सुंदर सुंदर ब्रज में लीला करते थे, सारे ब्रजवासियों को प्रभु एकदम डुबो करके रखते थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की लाला की जय जय श्री राम जय। आप लोग मेरे पीछे पीछे ताली बजा करके ठाकुर रखना कीर्तन करें, ठीक है? बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 नाम तुभ्यं। बोले माँ अहो अहो मतलब क्या है?
जैसे कोई आश्चर्य चीज देख करके हम आश्चर्य हो जाते हैं ना, अरे क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य। यहाँ पर भगवान कहते भैया जो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, अगर वो ठाकुर का नाम ग्रहण करता है, बोले कहा, बोले जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मतलब संपूर्ण जिह्वा नहीं, जिनकी जिह्वा के अग्रदेश में ये ठाकुर जी का नाम जप करता है, क्या समझो पूर्व जन्म में चार काम कर गया है। चार काम उसने क्या करके आया, बोले पहले जन्म में जितने बड़े बड़े यज्ञ हैं, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कहते अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो स्वर्ग का इंद्र बन जाता है, इतने महत्व है। लेकिन जिसने पूर्व जन्म बड़े से बड़े यज्ञ करके आया है, कहते हैं पहला नंबर है। बोले दूसरा नंबर है, पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या है, राम राम राधे राधे बोलो, बोले मैं इतना बोल नहीं सकती, मैं इतना बोल नहीं सकती, इतना तो बात बोल दी, जो राम और जो कृष्ण जो राधे ना, उसका मुझे दो अक्षर नहीं निकला। इतने में उन्होंने क्या किए, उन्होंने फिर उनको जो नाती पोती थे वो सोच रहे थे दादी के मुंह से किसी तरह निकले, बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकती हो, वो सोच रहे थे दादी तो इतना बोलेगी जैसे मैं राम राम राधे राधे नहीं बोल सकती हूँ, बोले तू जो बुलवाना चाहते ना मैं वही नहीं बोल सकती, वही नहीं बोल सकती। इस समय नारद जी दशरथ नाकर वाल्मीकि से पहले मिले, उसको बोले बोले बोलो राम बोलो, लेकिन उसको मुंह से राम नाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकला निकलता है। बोले तू मरा मरा तो बोल सकते हो, बोला हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोलता था मारो मारो मारो, लेकिन उल्टा नाम जपत जगह जगह वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना। इसलिए जिस जो पुण्यात्मा है उनके मुंह से ठाकुर का नाम निकलते हैं। और हमारे गुरु जी कहते थे जैसे एक ईंट पत्थर उठाओ और पानी में फेंको, देखना वहां से लहरें आती हैं। तो जब भगवान जी हम नाम लेते हैं, ये शब्द ब्रह्म है, इसकी लहरी चारों तरफ फैलती है, जितने दूर तक उसकी आवाज जाएगी उतना दूर तक हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर जी का जो नाम है जीवन का सारे अमंगल को दूर कर देता है और जीवन को ये मंगल मंगलमय कर देता है ठाकुर जी की ये नाम है। देखो आपको एक प्रैक्टिकल घटना बताता हूँ, ये हमारे जो बड़े गुरु जी थे, जो बड़े गुरु जी है, क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिनको हो गया कैंसर, एक सही घटना, उसका कैंसर हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया 6 महीना, तो बोला तुम 6 महीना बचने वाले हो। जब उसको पता चला 6 महीना बचने वाले, अभी उम्र ज्यादा नहीं हुआ था, उसने क्या किया नौकरी को रिजाइन दे दिया, बोले 6 महीना जो बचूंगा नौकरी करके क्या करना है। उसने गुरु जी से हरिनाम लिया, भगवान का नाम लेकर उसने दिन में 1 लाख हरिनाम करता था, 1 लाख नाम जो 64 माला कहते हैं, 1 लाख ठाकुर का नाम जप करता था। उनको पता है कितना दिन बचा, 16 साल तक बचा, 16 साल तक, जितने उम्र में करी 75 इतने उम्र तक रह करके वृद्ध हो करके मरे। इसलिए हमारे जीवन बहुत लोगों को देखा, आज कोई व्यक्ति बोल रहे थे उनको कैंसर हो गया था, लेकिन जब भगवान का नाम लिया, सबसे बड़ा जो दवा है ना ये भगवान का नाम है, इससे बड़ा दवा दुनिया में कुछ भी नहीं, इससे बड़ी दवा जगत में कुछ नहीं। इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति है। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे क्या करते ताली बजाते हुए बिठी बिठी, देखो घर में अगर तुम्हारी कोई दुख कष्ट है जिनको फर्क लेना, घर में कोई दुख कष्ट है लेकिन किसी तरह से दुख कष्ट जा ही नहीं रहे, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठो पूरा परिवार को लेकर के घर में थोड़ी थोड़ी हरि कीर्तन करो, आप स्वयं देख लोगे घर की जितने परेशानियां हैं सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, सारी परेशानी। क्यों, भगवान के नाम जिस घर में गूंजेगी, जिस घर में ठाकुर का नाम गूंजती है वहां पर कोई पाप नहीं रह सकता है, सारे पाप वहां से नष्ट हो जाएगा, इतने शक्ति प्रभु की नाम। इसलिए सबके सब बैठी बैठी ताली को साथ में भगवान के नाम को बोलो। देखो इसमें पहले मैं बताया ना हरे, हरे मतलब क्या होता है, जो पाप दुख कष्ट को जो हर कर हर ले। कृष्ण मतलब क्या है, मन चंचल है, मन हमारी चंचल। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, अर्सना मतलब आनंद देना, जो हमारी चंचल मन को भटकने नहीं दे और आनंद दे। राम मतलब क्या, जो जीवन में आराम,
अगर ये प्रभु का नाम करोगे आपको तीन चीज मिलेगी हरि नाम से, क्या मिलेगी? दुख दूर होगी, हरि मतलब हरण करना, कृष्ण मतलब जो जिसका चंचल मन नहीं। आप बच्चों को भी बोले एक एक माला जप करें, बच्चों को क्या बोलना, एक एक जिसको पढ़ाई सही नहीं हो रही है उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको बोलो एक माला जप करके जाए, देखना उसका मन अपने आप शांत हो जाएगा, पढ़ाई में बहुत बढ़िया पढ़ाई करेगा है। इसलिए भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, इसलिए सब ताली बजाते हुए बोलना बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 सरल नाम बताता हूँ जो कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेंगे, बोले वो कौन सा नाम है?
देखो आप लोग ये श्लोक सुने होंगे, बोले राम राम तिरति राम रमी मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्य श्री राम नाम बरन। लहे सुंदरी पार्वती, ये विष्णु सहस्र नाम करने पर जो फल मिलता है, एक बार जब श्री राम का नाम बोलो ना, वही फल मिलेगा। अभी पार्वती हम दुनिया में क्या चाहते हैं, परिश्रम कम और माल ज्यादा मिले, यही चाहते हैं, परिश्रम कम और ज्यादा माल मिले। अभी पार्वती बोली भाई जब एक राम नाम समान 1000 विष्णु नाम, फिर राम का नाम नहीं क्यों करें। इसलिए मैया पार्वती तब से रघुपति राघव राजा राम पति प्रभु राम का नाम लेती थी। कुछ दिन बाद फिर शंकर जी बोले, बोले पार्वती और एक सरल नाम बोलता हूँ जो कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ क्या है। जब ये श्लोक है बोले सहस्र नाम नाम पुण्या नाम क्रीड़ा विद्वा तु जत फलम एक विद्वा तु कृष्णस्य नामैकतद प्रजच्छति। बोले पार्वती जो भगवान कृष्ण ये श्लोक लाने परिपूर्ण है, जब तुम भगवान कृष्ण का एक बार नाम लोगे ना, तुमको 3 बार राम नाम करने का फल मिलेगा और 3000 विष्णु नाम करने का फल मिलेगा। क्योंकि जो कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए सारे कला में कृष्ण परिपूर्ण है, ये भगवान स्वयं है। पार्वती बोले फिर तो प्रभु जी फिर तुम्हें कृष्ण का ही नाम तुम्हें मिले। हाँ पार्वती, जब उन्हें कुछ दिन कृष्ण नाम ली, एक दिन शंकर फिर पार्वती बोले पार्वती आज तेरे को एक बड़ा रहस्य बात बताया जो बात में किसको बताएगा। बोले बताओ क्या बात है। बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले प्रभु आप ही तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कृष्ण सलोकला में परिपूर्ण, हाँ ये स्वयं भगवान ही, इनसे कोई बड़े नहीं, आप ही तो बता रहे थे, फिर कह रहे हो कृष्ण नाम से एक श्रेष्ठ नाम। पार्वती बोले प्रभु मैं नहीं बोल रही, तो बाकी भी खुद बोलते, ये बाकी बिहारी किसको बोले। बोले चंद्रमा को ये बात बोले। देखो ये श्लोक है बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदुतमं ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा के कृष्ण स्वयं। ये चंद्रमा बोले चंद्रमा अगर मेरे नाम कोई 100 बार ले ले, अगर सिर्फ राधा रानी का नाम 1 बार ले लेना, कहते एक राधा रानी का नाम समान मेरे 100 नाम लेने का बराबर है। इसलिए जो व्यक्ति मेरी राधा रानी का नाम लेते हैं मैं तो उसकी महिमा को बोल नहीं सकता। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसकी नाम लेते हैं, किसका नाम लेते जो नहीं बोला, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए वृंदावन में जाओ ना सबके सब श्री किशोर जी की सबके सब श्री राधे राधे नाम लेते हैं। क्यों, कृष्ण स्वयं कहते हैं राधा का नाम लेने से मेरे 100 बार नाम लेने का फल मिलता है। पार्वती बोली प्रभु फिर तुम्हें राधा ही राधा, क्या बोलोगा। बोले पार्वती इसमें भी रहस्य, बोले फिर क्या रहस्य, आप तो स्वयं बता रहे हो कृष्ण का 100 बार नाम 1 बार राधा, आप फिर रहस्य क्या। बोले अगर तुम राधे राधे बोलोगे ना वहां पर राधा रानी नहीं आएगी। बोले राधे राधे रोड पर चले आएंगे बिहारी जी आएंगे, वह राधा रानी नहीं आएंगे, क्योंकि राधा नाम से कृष्ण खुश होते हैं। लेकिन जब कृष्ण का तुम नाम लोगे ना फिर से राधा रानी खुश होती है। राधा रानी अपना नाम सुनकर खुश नहीं होती है, वो खुश होती है भाग्य बिहारी के नाम से, और भाग्य बिहारी के नाम से राधा रानी खुश होती है। पार्वती बोली प्रभु जी मेरे को तो बड़े कंफ्यूज में डाल दो, अभी बताओ अभी राधे राधे बोलू ना कृष्ण कृष्ण बोलू। बोले दोनों का नाम लो, जुगल नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पार्वती बोली प्रभु इसमें राधा रानी का नाम कहाँ है, ये चीज अच्छा तरह समझो। बोले इसमें राधा जी का नाम कहाँ है, इसमें तो क्या हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम है, इसमें राधा जी का नाम कहाँ है। बोले पार्वती जो हरे शब्द है ना ये राधा जी का नाम। बोले कैसे, आप लोगों ने संस्कृत पढ़े हो, कौन कौन थोड़ा 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 बहुत पढ़े हो, हाथ उठाओ थोड़ी बहुत जो पढ़े हो, फिर ये चीज को समझ जाओ। जैसे अब स्कूल में लता शब्द याद किए होंगे, लता लते लता लता लते लता है, आप पढ़े होंगे ना। जैसे रमा शब्द की आकार स्त्रीलिंग रमा और लता शब्द आकार स्त्रीलिंग है, अब देखना ये लता शब्द संबोधन में हो जाता है हे लते, संबोधन आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे हे लते,
कि जो जो हरे शब्द है इसका मूल शब्द हरा। हरा मतलब क्या है? कृष्ण को मन प्राण चित्त को जो हरण करती है अपना प्रेम से, इसलिए राधा जी का नाम हरा। ये हरा शब्द से ये संबंध में हो जाते हैं, हे हरे मतलब हे राधिके है। ये जो कृष्ण शब्द हरे कृष्ण मतलब हो गया राधे कृष्ण, फिर आता है हरे राम हरे राम, फिर इसमें हरे शब्द हो गया राधा जी का नाम, फिर इसमें राम का नाम कैसे आ गया? राधा जी तो साथ में श्याम रहते हैं, पर इसमें राम शब्द कैसे आया? कहते महामंत्र में जो राम शब्द है वो कृष्ण का नाम ही राम है, वो राधा जी के साथ में रमण करते, रमण मतलब तो विहार, वो रास करते हैं, विहार करते हैं, इसलिए ये राम शब्द जो शब्द यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए ही यहाँ पर महामंत्र है। राम मतलब राधा, रमयती जो महामंत्र है ये पूरा का पूरा श्री जुगल मंत्र है, राधा कृष्ण की श्री ये जुगल मंत्र श्री राधा कृष्ण का नाम ठीक है ना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं बोलूंगा वृंदावन में आप क्या बोलोगे? नंदू को बुला दो तो नंदू ही घर आ जाओ, बोले वृंदावन में श्रीमद् भगवतम श्रीधर महाराज जी के चरण पद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ।
और हेतु की कृपा कामना करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र नारायण गोस्वामी महाराज जी के भी चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी भी अहितु की कामना की कृपा करता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं वैष्णव बहनों को भी मेरे यथावत के प्रणाम है। हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, हरिनाम का जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो इस माला का क्या महत्व है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र कम में दूसरे श्लोक में इसका वर्णन करते हुए बताया है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व सत्यता नियमित स्मरण नकालदृशी तप कृपा भगवान नमापि दुर्देव एतादृशी तप कृपा भगवान नमापि दुर्देव निद्र स्नेहादनी ननुराग नाम नामकारी बहुधा निज सर्व सत्यता। हे प्रभु, आपके अनेक नाम है, केशव, माधव, कृष्ण, हरि, बांके बिहारी, आपने अपने सभी नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां भर दी है, आपने अपनी सारी शक्तियां उन नामों में भर दी है। नाम नाम तारी बहुधा निज सर्व सत्यता नियमित स्मरण नामों का स्मरण उन नामों का गुणगान करने के लिए इस देश काल में एक भी नियम नहीं बनाया कि मनुष्य उन नामों का कब स्मरण करे, कहां करे, अंदर बाहर, चाहे वो नहाया हुआ हो या ना हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में मनुष्य आपके नाम का गुणगान कभी भी कर सकता है। तादृशी तप कृपा भगवान में माफी। हे प्रभु, आपके द्वारा इतने सरल मार्ग दिए जाने पर भी अपने धाम की प्राप्ति करने के लिए इतना सरल मार्ग दिया, वो है हरिनाम, जो महाराज जी हमें कई दिनों से करवा रहे हैं। आपने इतना सरल मार्ग दिया है जिससे हम आपकी प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु तादृशी तप कृपा भगवान माफी दुर्दैव निदृश महाजनु ननुराग, मैं इतना दुर्भाग्य हूँ कि आपके द्वारा इतना सरल मार्ग दिए जाने पर भी मेरा आपके प्रेम में, आपके नाम में मेरा अभी भी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। मैं अब भी इस माया के संसार में लीन हो चुका हूँ और अभी भी मेरा आपके ध्यान नहीं आ पा रहा है। भगवान ने अपनी ही प्राप्ति के लिए इतना सब कुछ दे दिया है, महाराज जी आ गए हैं, हरिनाम की माला दे दी है, परंतु अभी भी हम चाह कर भी हम हरिनाम की माला नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कैसे अपनी भक्ति में अपने आप को ध्यान लाए, कैसे हम भक्ति करें। सिंपल वे है हरिनाम कीजिए और उसी से ही आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। जो हम कर रहे हैं वही जानवर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, वो ही जानवर कर रहे हैं। पर हम में क्या अंतर है, वो ये है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं जो कि जानवर नहीं कर सकते हैं। हम हरिनाम कर सकते हैं, माला जप सकते हैं, परंतु ये सब चीजें जानवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही मनुष्य योनि को सभी योनियों में से, कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है और हमें इसी को ही इसका जो है उपयोग करके हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। 84 लाख योनिया है जिनमें भ्रमण करने के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है और हम इसे ऐसे ही व्यस्त कर देते हैं। इसकी इतने महत्वता है मनुष्य योनि की, जब इंसान स्वर्ग में होता है, कोख में होता है माँ की, तो यही रिक्वेस्ट करता है, 84 लाख योनियों में होता है, तो वो यही रिक्वेस्ट करता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार और मनुष्य योनि दीजिए ताकि मैं फिर से इस माया के संसार से दूर होकर आपके हरिनाम की माला करूं, आपकी भक्ति करूं, जिससे मेरे को वापस इस संसार से मुक्त होकर सीधा आपके गोलोक धाम में जाने के मौका मिले। इसलिए ही मनुष्य योनि को इतनी महत्व दी गई है और हमें इससे भक्ति में भी लगाना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद इस संसार की धन दौलत ज्ञान खुद काम में आने वाला है। तो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म और धर्म, तुम्हारे द्वारा किए गए इस जन्म में कितने तुमने भगवान की सेवा करी है, कितने तुमने अच्छे कर्म करे हैं, ये सब तो सभी जानते ही हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जैसे जो मानते ही नहीं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक साइंटिस्ट है जॉर्ज नाम के, उन्होंने बताया था कि बहुत करोड़ों साल पहले एक ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसके कारण ये पृथ्वी बनी है, अलग अलग प्लैनेट्स आए हैं, स्टार्स आए हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी बनी है। अब मैं लॉजिकली सोचूं, बात बहुत बड़ा बम फोड़ दूं
तो क्या उस घर के चार घर अलग हो जाएंगे? क्या वो पूरा घर पूरा का ब्लास्ट हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बदल जाएगा? अब वही अगर हम देखें कि अगर विस्फोट हुआ है तो क्या उससे इतने खूबसूरत प्लैनेट, इतने सारे तारामंडल, क्या एक विस्फोट से क्या चीजें आ सकती है? नहीं, ये संभव ही नहीं है कि किसी विस्फोट के कारण इतने खूबसूरत पृथ्वी उत्पन्न हो जाए। लेकिन लोगों ने उसे मान लिया करोड़ों साल पहले। क्यों? अब भगवान को नहीं देखा तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे शरीर में सेल होते हैं बहुत सारे, जो आपने पढ़ा होगा साइंस में, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें देखने योग्य नहीं है। अभी हमारे पास वो आंख में वो चीज नहीं है जो हम उन्हें देख पाए। अब उन सेल को देखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? एक माइक्रोस्कोप की। ठीक उसी प्रकार ये भक्ति भी वही माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। अगर हम भगवान को अभी नहीं देख पा रहे इसका अर्थात ये नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि अभी हम लोग, अभी हम भगवान को देखने के योग्य नहीं। उनको देख करने पड़ रही, हरिनाम करने पड़ रही जो महाराज यहाँ पर लेके आए हैं और माला करनी चाहिए, इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वांछा कल तो रूप बच्चे के पास पति प्रणाम पाव लेते हैं। जय जय श्री राम, हरे हरे कृष्ण। देखो बच्चों को ऊपर में अच्छी संस्कार देनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास हो। लेकिन हमारे कुछ कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं जैसे बिग बैंग थ्योरी बता रहे थे ना, हाँ बिग बैंग थ्योरी बता रहे थे। अब जैसे हमारे न्यूटन हुए, हम तो बंदर से जन्म हुए, बंदर का पूंछ कटते कटते खत्म हो गया, फिर इंसान हो गया। भैया बंदर से अगर इंसान हुए, अब कितने सारे बंदर घूमने रहे, तो उसी समय एक बंदर से भी इंसान हुए, अभी तो कोई बंदर कोई इंसान हो ही नहीं रहा, अब कोई बंदर इंसान हो रहा है। इसलिए ये न्यूटन मरने से पहले बात बोल कर गया, बोले ये साइंस मेरे को गवर्नमेंट ने मेरे जोर जबरदस्त किया था, इसको प्रूव करके बोल दो जी ये बंदर से इंसान हो गया, फिर क्या होगा? फिर लोग नास्तिक बन जाएंगे, फिर भगवान को मानेंगे नहीं है। इसलिए लोगों को नास्तिक ही बनाने के लिए उन्होंने इस बात को बताया। लेकिन ये थ्योरी अमेरिका में कहीं बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, ये इंडिया में ही पढ़ाया जाता है। जिस देश में हमारी गीता रामायण भागवत, जिस देश में सारे वेद पुराण, जिस देश में जितने ऋषि मुनि पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बारंबार आए, उसी देश में ही बच्चों को ये नास्तिक बनाने के लिए ये सब के सब यहीं पर पढ़ाया जाता है। लेकिन आप लोग देखना, कोई भी मुसलमान का नाम सुने हो कभी भी अपना धर्म को ऊपर अंगुली उठाया? एक मुसलमान दिखा दो अपना धर्म के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते। कोई एक क्रिश्चियन को दिखा दो जिसने कभी अपना धर्म को ऊपर कभी अंगुली उठाया? भगवान भगवान कुछ नहीं, लेकिन नालायक ये हिंदू ही है जिसमें भगवान इतने बार आए, ठाकुर जी इतने बार आए, जितने वेद पुराण उपनिषद हमारे धर्म में हैं, यही लोग ही अपना धर्म ऊपर अंगुली उठाते हैं, यही लोग ही उठाते हैं। इसलिए देखो जैसे छोटा बच्चा है, अब ये छोटा बच्चा देखो तिलक लगा है, ये धोती पहना है, हैं ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, इसलिए ये बच्चे इतने नास्तिक क्यों? पिता माता की सेवा क्यों नहीं करते? मैंने गया था कि फरीदाबाद में एक ओल्ड हाउस में, ध्यान देकर सुन, मैंने फरीदाबाद में एक ओल्ड हाउस में गया था, वहाँ पर हमने कीर्तन किया भजन किया। उसके बाद में एक व्यक्ति बड़े जोर जोर से रो रहा था, मैंने कहा भैया तू रो रहे क्यों? बोले बाबा हमसे गलती हो। बोले क्या गलती हो? बोले मेरे 500 कोटि की गज है, गज की कोठी है। किसने बोले मेरा 1000 कोटि की गज की कोठी है। मैंने कहा भैया तू फिर ओल्ड हाउस में क्यों बिता रहे? बोले मेरे नास्तिक बच्चे इतना नास्तिक हो गए हैं, उनको इतने पढ़ाया लिखाया मैंने, इतना सब कुछ किया, ये हमारी सेवा नहीं किया। और हमें कहता था तुम लोग क्या जानते हो, हमने PhD किया, डॉक्टर किया, इंजीनियर किया है, हमने इतने ये किया, तुम लोग क्या जानते हो। और उसके बाद में बहू आई, इतने लड़ाई झगड़ा हुई, बोले भैया हम दोनों ही ओल्ड हाउस में चले जाते, तुम लोग ही घर में। बच्चे को अगर अच्छे संस्कार डालोगे ना, रामायण क्यों इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, कारण क्या है? कारण यही है, अगर रामायण कोई बच्चा पढ़ेगा वो जरूर पिता माता की सेवा करेगा ही। क्यों? उसमें लिखा हुआ है प्रात उठ है रघुनाथा और मात पितु गुरु नमः नाथा, सवेर उठ करके पिता माता के चरण ठाकुर जी छोते थे, तभी तो रामायण पढ़ करके तब राम राज्य है ना। राम राज्य मतलब जहाँ अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं, अवध, जहाँ
चाहते हो करना छुए हमारी आत्मा करें, बुढ़ापा में हमारी सेवा करें, स्वयं रामायण पढ़ो। लेकिन हम स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं और इतने अगर उसको बोल भैया एक माला जब कर थोड़ा रामायण कम से एक चौपा पढ़ जा, यदि गीता की देखो गीता कितने हमारे श्रेष्ठ ग्रंथ है। देखो गीता की कथा सुना था, ये अमेरिका की कथा है। आप स्पंद का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं स्पंद का नाम? जब गीता जयंती आई स्पंद के भक्त लोग गीता बेच रहे थे, कहाँ अमेरिका में गीता बेच रहे थे। अभी हमारे जो मोदी है, मोदी का नाम जानते हो? ये मोदी जिस देश में जाता है किसी प्राइम मिनिस्टर को ये गीता पढ़वाता है, क्योंकि अभी हर भाषा में ये गीता ट्रांसलेशन हुआ। मोदी स्वयं आपको पता नहीं होगा ये जो माला है ना, मोदी दो माला करती है। हेमा मालिनी का नाम जानते हो? ये हेमा मालिनी स्वयं ये नाम जप करती है, इसको हरिनाम लिए। मोदी दो माला रोज स्वयं करता है, किसी प्राइम मिनिस्टर गीता प्रेजेंटेशन देता है। गीता इतने श्रेष्ठ ग्रंथ है, गीता ग्रंथ है। एक बार क्या हुआ कि चीज को सुना, गीता कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभी वो स्पर्न के भक्त लोग गीता बेच रहे थे, जब एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा, जब जा रहा था वो लाइन कर खड़े हुए थे गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। बोले मेरी गीता लो, गीता जयंती ये अमेरिका की बात है। बोले गीता भी लग जाए, वो क्रिश्चियन था और तो रुपये, बोले गीता लो। बोले गीता भी देखा, 8-10 लाइन करके खड़े हुए, उसने 3-4 डॉलर दे करके, बोले जब इतना लोग फिर ठीक गीता ले लेते हैं। बोले बेकार ग्रंथ है, उसको ड्रम में रख लिया। एक दिन वो इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में वो आ गया, सुइसाइड करने जा रहा था। जब सुइसाइड करने जा रहा था, इतने में जिस ड्रम में वो गीता रखा हुआ था ना, उसमें ही वो बंदूक रखा था। जब उसने ड्रम को खोला और हाथ लगाया बंदूक में, वो बंदूक नहीं आया, वो आया भगवत गीता। जब ये भगवत गीता आई, वो मरने जा रहा था, इतने में वो पेज को खोला, इसमें किया, देखो क्या गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर क्या है? कहते बांसा से जीर्णा जथा विहाय नवा ने गिरना नरो परानी। जैसे एक वस्त्र पुराने होने पर हम उसको छोड़ करके एक नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है, जब ये शरीर पुरानी हो जाती है, ये शरीर इसको आत्मा छोड़ करके नए शरीर को धारण करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अगर हम आत्मा है, अगर तुम वास्तव रूप में शांति पाना चाहते हो, क्या करो? एक उदाहरण देकर समझाएं, जैसे कि पिंजरा है। अच्छा करे समझो, पिंजरा है, पिंजरा का अंदर में तोता है। अगर वो तोते को खाना आप मत खिलाओ, वो पिंजरा को केवल पेंटिंग करते रहो, दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करो, लेकिन उसके जो तोता है वो तोते को मत खिलाए करो। आप बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? आप बोलो, केवल पिंजरा को दिन भर उसको पेंटिंग करो, लेकिन वो तोते को मत खिलाए करो, पता क्या होगा? तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? कृष्ण कहते उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। अगर ये शरीर को केवल खिलाओ पिलाओ, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, इसको सजाओ धजाओ, लेकिन अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ है, अगर उसको कुछ खाना नहीं खिला तो क्या होगा? तो मर जाएगा। क्योंकि उसी तरह हम क्या करते हैं, इस शरीर को ही जीवन का सर्वस्व समझ लिया, इस शरीर। इसलिए अर्जुन, अगर तुम शांति सुख पाना चाहते हो, भगवान के चरण में शरणागत हो जाओ, उनकी अगर सेवा करोगे तो परम शांति मिलेगा। तब भगवान समझाए, बोले दो तरह का आनंद है, एक स्पिरिचुअल आनंद है, एक फिजिकल आनंद है। लेकिन जो फिजिकल आनंद है वो ज्यादा देर नहीं टिकती है, ये फिजिकल आनंद हर समय, ये आनंद घटते जाती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल आनंद है घटते नहीं, ये आनंद हर समय, ये आनंद बढ़ते जाते हैं, हर समय ये आनंद बढ़ेगी, ये आनंद कभी घटेगी नहीं। जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आ जाए, आप एक बार देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, देखा नहीं जाएगा। जैसे न्यूज पेपर आता है, एक बार पढ़ कर दूसरे दिन इसको पढ़ते हो, उसको फेंक देते हो, दूसरे बार उसको पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए जगत में कोई भी आनंद को देखो, वो आनंद धीरे धीरे घटती है, हर आनंद घटती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल जो आनंद है वो घटती घटेगी नहीं, वो हर समय बढ़ती रहेगी। जैसे घर में आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, कृष्ण की स्तुति का कुछ पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे कि नहीं? लेकिन रोज रोज एक ग्रंथ पढ़ते कि नहीं? लेकिन उसमें कोई उसमें विरक्ति आती है? नहीं आती है।
क्योंकि भगवान की जो भक्ति आत्मा, वो व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था। अब उसने सुइसाइड क्या करेगा, उसने रात भर ये भगवत गीता को पढ़ा, रात भर गीता पढ़ा, पढ़ करके उसका जीवन पूरा बदल गया। और उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, फोन नंबर था, उसने फोन लगाया कि गीता आया कहाँ से। फिर उसने ढूंढते ढूंढते जाकर वहीं पर पहुंचे, वहां पर अमेरिका कथा है, वहां पर संत लोग मिले, उनसे पूछा भैया हमको आत्मा को शांति नहीं मिली, हम तो सुइसाइड करने जा रहे थे और ये गीता को पढ़ करके मेरा जीवन दे दिया। तब उन्होंने प्रश्न किया शांति क्यों नहीं मिल रही, तब उन्होंने समझा है देखो शांति तभी मिलेगी जो जीव परमात्मा के अंश है। जब तक ये जीव परमात्मा की शरण में नहीं जाएगी, ये जो मेटेरियल वस्तु है वो अनित्य नश्वर है, वो इतनी खत्म होने वाले, ये वस्तु तुम्हें कभी परमानंद नहीं दे सकता है, वो आनंद केवल परमात्मा प्रभु दे सकते हैं। फिर वो व्यक्ति सब छोड़कर, अभी वो संत है, अभी वो संत है, हमारे जैसे संन्यास लेकर के संपूर्ण पृथ्वी में ये गीता को प्रचार करते हैं। ऐसे ये गीता भगवत गीता हमारी, ऐसे पृथ्वी में ऐसे कोई राष्ट्र नहीं जो कि ये भगवत गीता नहीं पढ़ते। आप लोग वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन में गए, आप देखना इस्कॉन मंदिर में जाना, हम तो भारतीय है, आपको पूछा जाए गीता का कोई श्लोक बोलो, कोई एक माँ कोई एक श्लोक बोल रही, कोई एक श्लोक एक माँ के श्लोक बोल रही, लेकिन किसी हीरो का नाम पूछो, सब जितने हीरो हीरोइन इधर उल्टा पुलटा बात हमारे सब याद है। लेकिन आप जाओ किसी मुसलमान, मैंने जयपुर में गया था, जयपुर में कथा करने के लिए गया था, जब मैं आ रहा था ना, देखा 5 साल का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या, मुसलमान लड़का है, मैंने कहा भैया तेरे को कुरान आता है, बोले हाँ, छाती फुला कर बोले मेरे को कुरान आता है, मैंने बोला कुरान बोलो, वो छोटा छोटा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने उम्र में कुरान पढ़ाई जाती है, बोले हमारे धर्म में 2 साल उम्र में कंपलसरी, बोले कंपलसरी हमारे धर्म में 2 साल उम्र में उसको कुरान पढ़ाएंगे, हैं उसको कुरान पढ़ाएंगे, मतलब इतने स्ट्रंग। आप लोगों देखा होगा शुक्रवार का दिन रोड जाम कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके ले जाते हैं और मेन रोड में बैठा करके कुरान पढ़ाते। हम कोई अपना बच्चे को बोलते भैया गीता पढ़ पढ़ा रामायण पढ़ पढ़े, हमारे बच्चे नास्तिक बनेंगे, नास्तिक बनेंगे, उसको स्मार्टफोन पहले से उसको फोन पकड़ा फोन तो बड़े होकर उसका आदत क्या बनेगा बता है। इसलिए क्या करो, अगर चाहते हो हमारी संस्कृति रखा हो, बच्चे बड़े बन करके हमारी सेवा करें, हमें आदर करें, क्या करो उनको खुद रामायण पढ़ाओ, क्योंकि पहला गुरु कौन है, पिता माता, पहला गुरु कौन है बता, पहला गुरु कौन है, अभी पिताजी से पहला गुरु माँ है, सबसे पहले माँ, अगर माँ अगर भजन करेगी हरिनाम करेगी तभी तो बच्चे को बोलेगी बेटा तू भी अभी माला जा, तू भी एक रामायण पढ़, तू भी एक गीता के श्लोक पढ़, तभी तो बोलेगी ना। खुद अगर दिन भर स्मार्टफोन भैया लेकर बैठी हुई, दिन भर टीवी के सामने बैठी हुई, बच्चों को बोलोगे तू स्मार्टफोन मत देखा करो, टीवी मत, हाँ माँ सबसे पहले संस्कार माँ से बढ़ती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है गीता रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ो, बच्चे धार्मिक स्वभाव हो, सवेरे उठे पहले पिता माता की चरण छुए, गुरुजन का आदर करे, सबकी सेवा करे। हमें जहाँ जाता है ना, तो सारा दुनिया में जाता है, सारा दुनिया एक रटना है, बच्चे बात नहीं सुनते, सारा दुनिया बच्चे बात नहीं सुनते, भैया बच्चे बात कहाँ सुनेंगे, तुम उनको इतना लिखा पढ़ा सिखा के रामायण नहीं पढ़ाया, गीता नहीं पढ़ाया, इंडोनेशिया के मुसलमान कंट्री हमारे देश से संतों को लेकर रामायण सुनाते, मुरारी बाबू का नाम सुनाते, उनको ले जाते भैया हम तो बच्चों को रामायण सुनाओ, बेटी बहु बेटी संस्कारी बने, पिता माता की सेवा करे, ये चरित्रवान बने, हमारे बेटी बहुत चरित्रवान बने, इसलिए भगवान राम सीता को त्याग दिया। बोले क्यों, बोले जगत चरित्रवान बने, चरित्रता के लिए उन्होंने सीता को, ठाकुर जी स्वयं सीता को त्याग दिया। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अगर घर में घर को अयोध्या बनाना चाहिए, अयोध्या नहीं होना है, अवध मतलब जहाँ वध नहीं होना है, जरूर रामायण खुद पढ़ो, बच्चों को रामायण पढ़ाओ, तभी तुम्हारी घर अयोध्या बन सकती है, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
बोल रहा था ना खड़े होकर, देखिए बच्चे को देखो, ऐसे नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है ये बेटा। इसका जो बड़ा भाई जो सेवा कर रहा है ना उसका देखना, इसका ये सबका बड़े भाई देखो धोती पहना है, तिलक लगाया है, हैं उसको पिताजी खड़े थे, इनके पिताजी की बढ़िया नौकरी है, लाख रुपया की तनख्वाह है, देखो माला उसको माता जी पीछे बैठी, देखो इनके गले में सब है, घर में कोई किसी तरह कोई उल्टा पुलटा चीज नहीं। इनका जो बड़ा बेटा है ना, अभी कहाँ गया बड़ा बेटा, वो उधर खड़ा हुआ है सेवा करना है, कोई उल्टा पुलटा लड़कियों से बात करने पर लड़कियाँ बात नहीं करता है, नहीं हमारे संस्कार में उल्टा पुलटा लड़कियों से बात करना हमारे संस्कार में, उसको माता जी स्वयं बता रहे थे। और एल एल बी क्या कर रहा है, एल एल बी होकर बच्चा कर रहा है, देखो घर की संस्कार कितने अच्छी संस्कार है बच्चों को अंदर रहते देखते ना, दिन भर बच्चा घूमता रहता है, सारी सेवा करता है, देखो घर में भगवान स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं, बोले जिस घर में एक बेटा भगवान की भक्ति कर लेना, बोले कुलम पवित्र नरसिंह भगवान कहते तो उसका 21 बृंदा हो जाता, जननी की तार्था उसका पिता माता की जीवन धन्य हो जाती है, वसुंधरा वसतिस्थ धन्य वो पृथ्वी धन्य हो जाती है, नृत्य स्वर्ग पितरी पितरी सब श्लोक है नरसिंह भगवान के लिए। हमारी अहो भाग्य है हमारे घर में भक्ति करने वाले बच्चे जन्म हुए, अब इसी बार हमारी जन्म उद्धार हो जाए, हमारी और नर्क भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान नरसिंह दम कह रहे हैं प्रभात को, तेरे जैसे बच्चे जिस तो कौन धन्य हो गया, उसका कौन धन्य हो गया। हाँ देखो अगर भजन नहीं करेंगे बच्चे, अगर गलत रास्ता में जाए, देखो रामायण की कथा है, जब राम सीता वनवास जा रहे थे इतने लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा के पास आए, बोले भैया मेरे को आदेश दे भाभी भैया की सेवा करने के लिए जाओ। देखो सुमित्रा क्या कहती है, कितनी अच्छी बात कहती है, बोले पुष्करवती युवती जगस्वी रघुपति भक्ति जासु सुतुर हैं, ये जो ये सुमित्रा की छाती चौड़ा हो गई हैं, इसकी छाती चौड़ा हो गई, बोले बेटा तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके आज मैं अपना भाग्य को धन्य भाग्य समझती हूँ। आप लोग हिंदी समझते हो ना, कौन कोई हिंदी समझते हो, देखो प्यार में क्या कहते हैं, बोले पुत्र बती जुबती जगस्वी, मतलब जगत में उसी माँ को पुत्र जन्ना देना सार्थकता है, बोले किसकी, बोले रघुपति भक्ति जासु सुतो, अगर उसका बेटा अगर भगवान की भक्ति करता है तभी वो बच्चे जन्म करने का सार्थक। देखो दूसरी लाइन में क्या कहती है, कहते अगर तुमने बच्चे को प्रभु की भजन में नहीं लगाता, दूसरी लाइन में कहती है माँ को बांझ रहना सही, माँ को बंध्या रहना सही, बच्चे जन्म मत दो, मना बच्चे जन्म दो, जब बच्चे को प्रभु की भजन में लगा पाओगे, नहीं तो बच्चे जन्म देने का तुम्हारे कोई अधिकार नहीं। बोले क्यों, वो कहती बच्चे अगर गलत रास्ते शराब पिए मांस खाए उल्टा पुलटा चीज की गंदे रास्ता में, उसका पाप भी ये पिता माता को ही भोगना पड़ेगा, जैसे पुण्य भोगना पड़ेगा उसकी पाप भी भोगना पड़ेगा, सुमित्रा के लिए। इसलिए लेकिन बच्चे भजन कब करेंगे, जब स्वयं आप करोगे, आप नहीं करोगे तो बच्चों को हजार बार बोल दो एक माला करो रामायण पढ़ो, बच्चा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ जो है ना ये जिंदा जो गुरु है ना, जो जगते जागते जो गुरु, ये माँ पिता जीवन गुरु है। देखो ये बच्चे क्यों ये तिलक कंठी लगा कर बैठे, आप स्वयं देखो तुम्हारे बेटा बेटी कहाँ क्या करते होंगे, आप स्वयं समझ लो, लेकिन इनका बच्चे कहाँ बैठे होंगे, सत्संग में बैठे होंगे, क्यों, पिता स्वयं भजन करते, माता जी स्वयं भजन करते, सबसे पहले संस्कार पिता माता से ही पड़ेगा और कहीं से नहीं पड़ेगा। क्या करोगे, रामायण पढ़ो गीता पढ़ो, और मैंने कहा था ना एक एक आंख में माला लेकर जाना, एक एक माला जरूर लेकर के जाना, ठीक है ना, जाओगे तुम देखना जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता स्वयं देख लेना, बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनता तुम्हारी, और ये करता है पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको बोले एक माला जप कर, आप स्वयं देख लोगे वो बच्चे का पढ़ा मन पढ़ाई अपने आप लग जाएगा, अपने आप तुम्हारी चरण छूना शुरू कर देगा, क्यों, भगवान का नाम ठाकुर जी की नाम लेता है, इतने अच्छे संस्कार बच्चों को घर में, इतने अच्छे संस्कार पड़े। ठीक है, आज हम लोग उसे श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की कथा सुनेंगे, लेकिन उसको पहले आप देखिए छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ।
ये स्टोरी सुन करके गिरिराज कथा सुनेंगे। देखो ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। आप ये स्टोरी बोलने के बाद ना आपसे मैं सुनना चाहूंगा, जो मेरे को ये स्टोरी बोल देगा कल उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है? इसलिए ध्यान देकर के स्टोरी को सुनो। बहुत जो आप लोगों ने 4 दिन 7 दिन कल कथा सुनी है ये कथा के सार है, ध्यान देकर सुनो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो, कोई एक राजा था, वो राजा के 4 रानियां थी। कितना रानियां थी? जोर से बोलो, 4। जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश करता था, ये बड़ी रानी। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहते 4 रानियों में सबसे सुंदरी कोई थी। राजा जब सबसे सुंदर श्रृंगार करके रात में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बात को बना बनाते तो बोलती थी, इसलिए था वो रानी को पास में बैठ करके उसकी मीठी मीठी बात सुन सुनकर बड़े खुश होता था। लेकिन जो मन की बात है ना, वो किसी रानी को अपना मन की बात नहीं बोलता था, ये केवल तीसरी नंबर रानी को ही अपना मन की बात बोलता था। और राजा की जो 4th नंबर की रानी थी, है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी थी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए ना, तब से उससे कोई मतलब राजा नहीं रखा। कभी पूछा नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको नहीं पूछता था, कभी नहीं पूछता था उसको। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, शादी करके लाया कभी पूछता नहीं। अभी राजा की अंतिम समय आया, अभी राजा ने देखा मेरे 4 रानियां हैं, इनसे प्रश्न करता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती है। सबसे बड़ी रानी की नंबर आए, आप लोग बताओ सबसे बड़ी रानी कौन थी? इतना जल्दी भूल गए, मेरी याद क्या रख गए? बोलो सबसे बड़ी रानी कौन थी? बोलो जोर से। नहीं आप लोग नहीं, भगवान इतने जल्दी अगर भूल जाओगे तो मेरे कल मेरे को क्या बोलोगे? सबसे बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज जिसको दे देकर उसको खुश रखता था। सबसे बड़ी रानी के नंबर आए, बोले रानी तेरे को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती। बोले हाँ। बोले अभी मेरा अंतिम समय आ गया, मेरे साथ में चलोगी? वो रानी सबसे ज्यादा धोखे थी। बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलूंगी नहीं। बोले क्यों? तेरे लिए जो इतना किया, बोले तेरे कर्तव्य था। बोले तेरी बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं तेरी। बोले राजा तो आश्चर्य पड़ गया। फिर उसने दूसरी नंबर की रानी के नंबर आई, दूसरी नंबर रानी कौन थी? सुंदर थी। राजा जिसको बड़े सुंदर श्रृंगार करके सबको दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितने सुंदर है। बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी। तू कब मरोगे? मैं दूसरे से शादी करूंगी। जो बड़े मीठी मीठी बोली बना बना के बोलती थी, राजा जिसकी मीठी मीठी बोली सुनकर बड़े खुश होता था। बोले रानी तू साथ में चलोगी? ये थोड़ी अच्छी नहीं लगी। बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजे तक चलना क्या, थोड़ी चलना है। बोले अगर तू ज्यादा बोलोगे ना, 4 कदम तक आगे बढ़ सकते। बोले भैया तू भी किसी काम के नहीं, दरवाजे तक चलना थोड़ी चलना है। अभी उसने 4 नंबर की रानी की नंबर आई, 4 नंबर कौन थी? बोले जोर से। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निकले लिखे आई बेकार, किसी काम साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया। लेकिन जब उससे रानी पूछ राजा पूछा है ना, वही जाने के लिए तैयार है। बोले राजा तेरे को दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, दुख में खाना खिलाए पिलाए तेरे में तो मैं सेवा करती हूँ। राजा तो अक्के बक्के चके हो गए। बोले भैया जिनके लिए मैंने जिंदगी दी थी,
वो तो कोई जाने के लिए कोई पर इसलिए कोई तो कोई जाने के लिए तैयारी नहीं हो रही। और जिनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयारी हो रही है। देखो ये जो कथा है ना ये हमारी जीवन की सच्चाई कथा। अब ये चीज को अच्छे तरह समझो और उसको याद कर लेना। ये कथा को आप याद कर लेना ठीक है। कल मैं पूछूंगा देखूंगा मैडम कौन बोलना था। देखो ये ऐसी कथा है ना इसी कथा से मैंने कितने लोगों को भक्त बनाया तुम जो सोच नहीं सकते हो। क्यों भक्त बनाया अच्छे तरह से सुना। बोले सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी हम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जिसकी जो चाहता है उस समय में भले ही हमें कुछ करना क्यों नहीं पड़े उसकी हम इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा ना उसको पूछेंगे भैया साथ में चलोगे वो एक कदम भी साथ में नहीं चलेगा। आप बताओ तो आप लोग जीवन में किसको ज्यादा प्रेम करता हो आपसे मैं प्रश्न करता हूँ। बोलो कौन बोलेगा जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम अभी कर रहे हैं लेकिन अंतिम समय में जो एक कदम भी हमारे साथ हाथ उठा कौन बोलेगा। देखो ये आध्यात्मिक क्वेश्चन है जो सुने उनको नहीं जो नहीं सुने हम उनको पूछ रहा हूँ कौन बोलेगा हाथ उठा। आपको पता नहीं किसको प्रेम करते हो ज्यादा किसको प्रेम करते हो संसार को। और आप लोग बोलो किसको प्रेम करते हो पति को प्रेम करते हो और किसको कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हो बच्चों को प्रेम करते हो ये भी एक है। और एक किसको प्रेम करते हो कौन किसको प्रेम करते हो हरे कृष्ण ठीक है। आप लोगों ने कुछ कुछ सही सही उत्तर दिया है अच्छी बात है। हाथे को सुन लो कहते भैया ये जगत में ना तो सच्चा प्रेम सच्चाई प्रेम जगत में है नहीं। ये जगत में सच्चाई प्रेम कहीं है नहीं है। ये जगत में जो हम प्रेम दिख रहा है ना थोड़ी बहुत क्या दिख रही है चूंकि आपसे हमें कुछ मिल रहा है इसलिए हमें जगत में प्रेम दिखती है। प्रेम दिखती है चूंकि आपसे अभी कुछ मिल रहा है लेकिन उसको मिलना बंद कर दो उसी समय में सारे प्रेम हमारे खत्म हो जाते हैं। भले आप जिंदगी भर किसको क्यों प्रेम नहीं किया हो उसको खिलाया पिलाया सब कुछ किया एक दिन कोई कमी हो जाए देखना वो झट बोलेगा तू मेरे लिए क्या किया एक तो झट आता है यही बात आती है। अभी प्रश्न है हम जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्रेम कर रहे हैं कहते हम अपनी आप को प्रेम करते हैं। देखना ये शरीर जिस चीज की मांग करते हैं बोले ऐसे साड़ी पहनना चाहते जब मल में जाकर खरीद कर खिलाएंगे बोले गोलगप्पे खाना चाहते बोले तुम्हें गोलगप्पे खिलाएंगे बोले सिनेमा देखना चाहते चलो जीव में जाना चाहते बोले जीव में ले जाएंगे। अब देखना शरीर हमें जिस चीज की मांग करती है ना भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़े उसको इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए अंतिम समय आया शरीर से पूछा भैया साथ में चलोगे कहते हंसा अकेला उड़ी जाएगा केवल पिंजरा पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब ये परमात्मा चले जाते हैं ये शरीर हमारी साथ नहीं देती है। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी है बोले भैया सबसे सुंदरी कौन है ये दूसरी रानी कौन है बोले ये पैसा है। कहते ना बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया ये सबसे सुंदर क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होगा ही नहीं। आपको पता होगा कितने कष्ट करके हम पैसा कमाते हैं। पैसा से पूछे भैया साथ में चलोगी बोले चलोगे क्या कहते हैं चलोगे क्या मैं देख रही हूँ कब तुम मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगा। मतलब क्या है अभी पैसा हमारे पास में देखना ये शरीर छूटते ही पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। वो कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी और जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा कहते भैया मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। अभी तीसरी नंबर आई राजा जिसको मीठी मीठी बात सुनता था मन की बात बोलता था बोले ये कौन है बोले ये परिवार वाले जिनको साथ में बैठ कर संसार के दुख सुख की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आए पत्नी से पूछा साथ में चलोगी बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजे पर चलूंगी। हमारे हिंदू संस्कृति में पति की शरीर वो दरवाजे तक जाएगी उसका आगे नहीं जाएगी। परिवार वालों से पूछा चलोगे बोले क्यों नहीं तेरे लिए बढ़िया अर्थी से जाएंगे रथ से जा करके फिर राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे बोले कहाँ बोले सत्संग बोले उसको बाद में बोले आगे नहीं चल सकते वापस चले आएंगे। अभी चौथी नंबर इस चीज में राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेट किया ये बेकार किसी काम की नहीं
लेकिन जब उसको प्रश्न किया ना, केवल वही जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा अभी नेगलेक्ट करके रखे, लेकिन अंतिम समय में वही कलम पर हमारे साथ में चलने वाला है। बोलो, क्या भगवान की भक्ति और भगवान माला कर भाई बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं ना है, जिसका कोई काम धाम नहीं है वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं। हमारे बहुत सारे काम है, पेपर पढ़ना, घूमना, पार्टी में जाना और न्यूज पेपर पढ़ना, टीवी देखना, हमारे बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। बोले भैया अंतिम समय में ये कोई भी काम तुम्हारी आने वाले नहीं, इसलिए अंतिम समय में शरीर जोर से यही बोले ना, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोले सत्य है सब कोई बात होता है, ये बोलते बोले चले जाएंगे। बोले भैया जितने भाई का नाम तुमने जप किए हो वही केवल तुम्हारे साथ जा रहा है, और तुमने जो कुछ किए हो सब क्या तब तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में यहाँ से नहीं जा रही है, ठीक है ना। अभी बताओ कौन सा रानी को सबसे ज्यादा प्यार कर रहा? बोले चार रानियों में सबसे ज्यादा किसको प्यार कर रहा? जोर से बोलो, बोले ये सबसे छोटी कौन है? भक्ति, ये भगवान की नाम है, इसलिए मीरा कहती है पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोल कर ही मेरे सागरो, वास्तु अमोल कर ही मेरे सागरो, विशेष महत्व है, ठीक है ना। इसलिए जिनकी पहनने की इच्छा होगी अब मेरे पास में आ जाना, हम उसको माला दे देंगे, कुछ बात बता कर, ठीक है। देखो हम रोज रोज एक एक माला जप करते हैं, आज भी एक माला जप करेंगे, फरीदाबाद की कथा सुनेंगे, फिर प्रसाद लेकर के अब घर में सबके सब जाना, ये माला ले लो। तो यहाँ पर एक दो व्यक्ति माला है, खड़े खड़े होकर के सब माला बांट दो।
ध्यान देकर सुना, हमारे श्री कीर्तन मंडली के एल जी ग्रीन्स बी ब्लॉक से आज इन लोगों ने नमक पारे और श्री बुंदी प्रसाद के गिरिराज गोवर्धन की सेवा में दिए हैं, इसलिए आप उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी उनको शांति सुख दे, ठाकुर जी उनको भक्ति और प्रेम दे, ये लोग खूब संसार में फलते फूलते रहे। कि कौन है इसमें, देखो ये कोई माता जी है क्या, कोई है कीर्तन मंडली के, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, सबके पास में माला पहुंच गया ना। सब लोग ये समझो वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरण में हम बैठे हैं, और बांके बिहार जी के चरण में बैठे करके हम ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं। सबके सब आंख बंद कर दो, मैंने कल बताया था ना माला कैसे जप करनी चाहिए, अंगुल पर टच नहीं करना, बीच वाले अंगुल में रखना, रख करके मेरे साथ में सबके सब जोर से बोलो, जैसे सबकी आवाज सभी के कान में पहुंचे। माला तो हम एक करेंगे तो एक माला, लेकिन हम जितनी यहाँ भक्त बैठे हैं ना, जितने भक्त हैं उतना माला करने का हमें फल मिलेगा, इसलिए सबके सब मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण।
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna,
इसलिए जब कृष्ण इसी मरते जगत में आना चाहते थे, बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता, मेरे साथ में चलो। राधा रानी बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं तो वहां जाना नहीं चाहता हूँ। कृष्ण बोले देखो राधे, उतरूंगा ना ये संपूर्ण गोलक वृंदावन में उतार लूंगा, सबके सब साथ में जाएंगे, तू नहीं, तेरे साथ में तेरे सखियां, तेरी पिता माता। अब मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, मेरे साथ में मेरे सारे ग्वाल बाल, मेरी सखाएं, मेरे पिता माता, ये सबके सब जाएंगे। राधा रानी फिर तुम्हें जाऊंगे, फिर तुम्हें जाऊंगे। इसलिए गिरिराज गोवर्धन वो कोई पहाड़ नहीं है। गिरिराज गोवर्धन से जो ब्रज धाम, ये पूरा जो पूरा गोलक वृंदावन से इसी नृत्य जगत में आए। बोले श्री गिरिराज बाबा की। कहते गिरिराज गोवर्धन है कौन? इनकी तीन, इनकी तीन स्वरूप आती है। बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने घोर तपस्या की, इसकी वाक्य भी है राधा रानी की। जब संतुष्ट हो बोले भरदात्मा क्या चाहते हो, क्यों तपस्या की? बोले प्रभु आपकी चरण की सेवा कर दो। बोले क्या मेरे ग्वाल बाल बलि करके ना सखा सके? बोले कहाँ हमने इतने पुण्य की जो कि आप ग्वाल बाल और सखा बन जाए? बोले बताओ किस रूप में सेवा चाहते हो? बोले प्रभु अगर हम ब्रज धाम में पत्थर रूप में अगर जन्म हो जाए ना, पहाड़ रूप में अगर हमारे सर के ऊपर आप लीला करो। इसलिए जो नंदगांव, अब लोग कोई नंदगांव गए हो? कौन कौन नंदगांव गए? वहां पर देखो ने देखेगा जो ऊपर जाओ है वो नदी स्वरूप भोले बाबा। बरसाना कौन कौन गए? बरसाना गए, वो बरसाना नहीं, जब सारे सीढ़ियों का पार करोगे ना सीधा में देखोगे ब्रह्मा का तपस्या स्थल है। ब्रह्मा जी वो पर्वत रूप में तपस्या किए। और गिरिराज कौन कौन गए? ये गिरिराज नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में पहाड़ रूप में प्रकट हुए प्रभु जी की लीला करने के लिए, दर्शन कृपा पाने के लिए। ये एक स्वरूप। इनका दूसरा स्वरूप क्या है? जो गिरिराज गोवर्धन ये स्वयं कृष्ण है। एक स्वरूप में तो उन्होंने पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में उन्होंने पूजा को स्वीकार किया है, हैं? इसलिए ये गिरिराज कृष्ण कहते हैं। इनका तीसरा स्वरूप कौन है? राधा रानी स्वयं कहती है हम काय अद्रिया बला हरिदास मध्य। ये भगवान की सबसे बड़े सेवक गिरिराज कृष्ण कहेगा वहीं चराए, वहीं पर पानी पिए, जल विहार किए, वहीं से फल फूल को खाया करते थे, उनकी कंदरा कंदरा कुंज कुंज में ठाकुर जी लीला किए। ठाकुर जी सबसे बड़े जो सेवक हैं कहते श्री गिरिराज गोवर्धन ही है। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन को कहते हैं सर्व अभीष्ट प्रदाता। मतलब क्या है? हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं। बोले क्यों? बोले इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा करना है, ये क्या मांगेगा? जो मांगेगा उसको हम दे देंगे, हैं? इसलिए गिरिराज जो परिक्रमा करते हैं बड़े भाग्यवान हैं। जो गिरिराज गोवर्धन ने आप गए होंगे देखना पेड़ में पेड़ बंधा होगा, देखो धागा बंधा होगा, क्यों? जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटा की नौकरी नहीं लग रहा है, घर में कोई दुख कष्ट है, गिरिराज जाओ परिक्रमा करो अभिषेक करो। गिरिराज की गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता। कुछ गिरिराज गोवर्धन सब कुछ देने वाले श्री गिरिराज बाबा ने कल बताया ना, जितने गिरिराज की जो शिला है, जितना शिला गोबर जितना शिला रख दोगे ना ठाकुर जी उतना मछली मकान ठाकुर जी दे देते हैं, उतना मछली मकान ठाकुर जी दे देते हैं। इतने महिमा श्री गिरिराज गोवर्धन की एक बार जयकार लगा। प्रभु जी इतना ज्यादा बात मत करो, तुम चुपचाप बैठे रहो, कथा सुनो, कथा से बारंबार नहीं होता है, बैठ जाओ। श्री गिरिराज महाराज कहते जो गिरिराज गोवर्धन है ये गिरिराज आए कैसे, इसकी दो कथाएं। कितनी कथाएं? हाँ ध्यान देकर सुनो। जिस समय भगवान राम लंका विजय के लिए पूर्व आने रहे थे, उन्होंने बंदर को आदेश दिया जहां से बड़े पत्थर ले लिया और नाल नीम स्पर्श कर रहे थे, हनुमान जी उसके ऊपर प्रभु राम का नाम लिख करके छोड़ रहे थे और पत्थर तैर रहा था पानी में और जुड़ेगा कैसे,
एक पत्थर में रा और दूसरे पत्थर में मां, रा मां लिखते हुए पत्थर अपने आप जुड़ जाते थे, अपने आप जुड़ जाते थे पत्थर। इसलिए हनुमान जी सोच रहे थे हमें कहीं बड़े से बड़े पत्थर मिल जाए, लाए तो जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी और माता सीता की उद्धार हो जाएगी। हनुमान भ्रमण करते करते सांदमल द्वीप में पहुंचे और उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को देखा, विशाल गिरिराज गोवर्धन। आप लोग परिक्रमा किए होंगे ना गिरिराज गोवर्धन की, कितने बड़े गिरिराज गोवर्धन, 64 फीट ऊंचाई लंबाई, कितने बड़े गिरिराज गोवर्धन। लेकिन ये पुलस्थ ऋषि के अभिशाप से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं गिरिराज गोवर्धन। जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को देखे, हनुमान जी बाम हाथ में उठा लिए, बोला जय लिए, और हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे। जाते जाते हनुमान जी इतने में पुल बांधना समाप्त हो गया। भगवान राम बोले देखो बंदर को बोल दो और पत्थर की जरूरत नहीं, ब्रिज बंद गई पत्थर बन गए। जब हनुमान जी को खबर पहुंचा उन्होंने जहां वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन, उन्होंने वहीं पर रख दिए। अभी गिरिराज तो दुखी हो गए, बोले मेरे को इतने दूर से लाए हो और थोड़ी दूर ले जाते तो कम से कम माता सीता की सेवा में तो लग जाता, भगवान स्वयं जाएंगे चल करके ठाकुर जी के चरण की हमें सेवा भी प्राप्त होती, मेरे को यहाँ क्यों रख दिए, ठाकुर को सेवा मेरे को मिला नहीं। रोने लग गए। हनुमान जी ने बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आए, अभी तो प्रभु राम की थोड़ी सी सेवा मिलता। उसी समय गिरिराज गोवर्धन को तेरे को कनिष्ठ अंगुली में धारण करेंगे और जितने ब्रजवासी सब के सब उसके नीचे 7 दिन तक उसके नीचे खड़े रहेंगे। ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर में गैया चराएंगे, तुम्हारी पानी पिएंगे, तेरे फल फूल ग्रहण करेंगे, तुम्हारे ऊपर में ठाकुर जी रास करेंगे, कोई चिंता मत करो, राम ही द्वापर युग में श्री श्याम बन करके आने वाले। कहते ये एक कथा है। दूसरी कथा बोले एक समय एक पुलस्थ नाम का ऋषि थे, वो रहते थे काशी में। उन्होंने भ्रमण करते करते जब सालमल द्वीप में पहुंचे, गिरिराज पिता माता का नाम द्रोण और उधर, ये गिरिराज गोवर्धन पहाड़ रूप में थे, बड़े सुंदर सुंदर फल, बड़े सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर झरनाएं, सुंदर सुंदर राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, बड़ा नारद कुंड, किल्लोल कुंड, रत्न वेदी, जहाँ पर कुसुम सरोवर, आप लोग गए ना गिरिराज, उद्धव कुंड, बड़ा सुंदर अपूर्व गिरिराज गोवर्धन, जिसमें एक साथ में 6 ऋतु बहती थी, हैं? हर तरह का एक वृक्ष में हर तरह का फल, हर तरह का फूल, इतने सुंदर गिरिराज गोवर्धन। अभी पुलस्थ ऋषि जब वहां पर पहुंचे, इनको द्रोण और धरा इनको स्वागत किया और गिरिराज को देख करके इनका तो लोभ हो गया, बोले देखो आप मेरे को आपको बेटे को हमें दे दो, बोले बेटे को कोई दे सकता है, ये तो अकेला मेरा बेटा, अभी पिता माता की इच्छा नहीं, बोले ऋषि को अगर मैं बोल दू ना नहीं दूंगा फिर मेरे को अभिशाप दे देंगे, बोले भैया बेटा जाएगा कि नहीं बेटा भी पूछ लो। जब श्री गिरिराज को पूछे बोले देखो मैं जा सकता हूँ, 2 शर्त है, बोले क्या है, बोले एक तो मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को हाथ में उठा करके लेना पड़ेगा, बोले दूसरा शर्त अगर बीच में कहीं मेरे को रख दिया, अगर आप अपवित्र हो गए मैं वहां से फिर जाने वाला नहीं। बोले कोई बात नहीं, पुलस्थ ऋषि बड़े प्रताप थे, उन्होंने एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन उठा दिया, उठा करके जब जा रहे थे, अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन ब्रज में, जब वहीं पर आए, गिरिराज कौन कहां से आए, कलयुग वृंदावन से आए, इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए। अभी गिरिराज जी सोच रहे हैं पता नहीं ये ऋषि मेरे को काशी फांसी देने ले जा रहा है, हैं? गिरिराज मैं तो ठाकुर को सेवा करने के लिए आया, ये ब्रजधाम रस भूमि है। उन्होंने बांके बिहारी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी मैं तो आपकी चरण की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को ये कहाँ काशी मरुभूमि में ले जा रहे हैं, शुष्क भूमि जहाँ पर ज्ञानी मायावादी लोग रहते हैं, भगवान को ब्रह्म ब्रह्म करने वाले, ये सूखा मरुभूमि में मेरे को कहाँ ले जा रहे, अपना चरण में स्थान दे दो। इतने में ठाकुर ने यही से माया चलाई, उसको इतने जोर से लघु संख्या लगे, वो भूल गए जितने प्रतिज्ञा किए थे और वो ले नहीं पाए, वहीं पर उन्होंने गिरिराज को लग लिए। जब उन्होंने लघु संख्या के लिए बैठे ना, लघु संख्या खत्म ही नहीं हो, 1 घंटा तक बैठे, उसको बाद में मेरे हाथ पैर धो करके गिरिराज को जो उठाने के लिए गए और गिरिराज उठे नहीं, बोले मैं नहीं जानता, बोले क्यों, बोले क्या बताए थे, बोले बीच में मेरे को रखना नहीं,
अगर कहीं अपवित्र हो जाओ तो घुमा नहीं सकते हैं, आप घंटे तक लघु सत्या में बैठे हो, मैं जाने वाला नहीं। फिर उन्होंने अभिशाप दिया, बोले मैं अभिशाप देता हूँ तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, हर पल पल में तीन तीन तुम खत्म होते जाओगे। उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। तब उन्होंने बोले देखो मैं तो इसलिए यहाँ रहना चाहता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करना मैं यहाँ चाहता हूँ, अगर ठाकुर जी आने से पहले अगर मैं समाप्त तो हो गया रहने का क्या मतलब है, इसलिए ये आशीर्वाद दो जब तक ठाकुर जी नहीं आते तब तक मैं रहूं, जब ठाकुर जी चले जाएंगे उसको बाद में जो कुछ हो। बोले तथास्तु। तब उन्होंने आशीर्वाद दिए, इसलिए जब तक भगवान कृष्ण नहीं आए तब तक ये गिरिराज पूर्ण रूप में रहे, जब ठाकुर जी चले गए अब गिरिराज गए हम देखना टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और देखना वो तीन तीन में ठाकुर ये गिरिराज भगवान खाए होते जा रहे, तो पाप ज्यादा हो जाएगी भी धीरे धीरे सूख जाएगी, यमुना भी सूख जाएगी, गिरिराज गोवर्धन धीरे धीरे अंतर ध्यान हो जाएगी, सारे साधु संत अंतर ध्यान हो जाएगी, फिर तो भोग और कलयुग आएगा। फिर ठाकुर जी कल की अवतार लेकर के फिर वृक्ष संहार करते हुए फिर दुनिया को भगवान ठाकुर जी स्थापन करके, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज बाबा की जय। बोले एक समय कृष्ण ने देखा सारे ब्रजवासी और मैया जसोदा रात चकाचक भोजन बना रहे थे, इतने में कृष्ण बोले माता जी रात भर इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि है? बोले नहीं। बोले ताऊ भैया का बोले नहीं है कि रात भर क्यों चकाचक भोजन बना रहे हो? बोले बाबा के पास में चले जा, दाढ़ी पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर लड्डू कचौड़ी इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रही है? बोले लाला कल हमसे इंद्र पूजा करेंगे। बोले बाबा ये इंद्र कौन होता है? बोले ये सूर्य के देवता है और इनकी अधीन में ये मेघ है और हम लोग सबके सब कौन है? ग्वाल है। हमारे मूल धन दाढ़ी इंद्र के आदेश पर जब ये बारी बरसती है इसमें घास उगती है, गैया घास खाते हैं, दूध देते, दूध से दही, पर दही से ही मक्खन और दूध से जितने मिठाई और दूध ही हमारा मूल आ रहे हैं। अभी भी आप ब्रज में जाओगे ना छाछ और दूध यही मूल आ रहे हैं। अभी भी पहले तो लोग इतना नहीं खाते, दूध दही ही जीवन का सर्वस्व था, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण क्या चाह रहे थे? ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा बढ़े। इनको पता नहीं ये गिरिराज गोवर्धन है कौन, पता नहीं। कृष्ण गिरिराज पूजा की प्रारंभ करना चाह रहे हैं। बोले बाबा हम लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं ये गिरिराज की कृपा से, इनकी कृपा से। बाबा इनको जो ये पहाड़ नहीं, जितने फल फूल कहाँ पर होता है? बोले गिरिराज से। बोले गैया घास कहाँ खाते हैं? बोले गिरिराज से। बोले पानी कहाँ पीते? बोले गिरिराज से। बोले गिरिराज तो सब कुछ देता है। बाबा इसमें जो हरा हरा है ना मेघ को खींच कर लाता है और मेघ इसमें टकरा करके ये बारिश होती है, इसलिए बाबा ये गिरिराज की कृपा से ही हम ब्रजवास करते हैं, इसलिए बाबा गिरिराज की पूजा करो। बोले पिताजी ये बताओ कब से आप ये इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले अभी तक इंद्र को खाते हुए देखे? बोले नहीं। बोले बाबा जब आप गिरिराज की पूजा करोगे ना इन्हीं आंखों से देखोगे, गिरिराज सब कुछ ग्रहण करेगा और जो मांगोगे ना गिरिराज को, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत जो मांगोगे, बेटा बेटी नाती पति सब देने वाले गिरिराज इन्हीं आंखों से दर्शन पाओगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता दर्शन होगा? बोले हाँ बाबा। बोले ठीक है लाला, फिर तो हम कल श्री इंद्र पूजा नहीं किसकी पूजा करेंगे? श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। हम लोग जयकार ठीक से नहीं दे रहे, गिरिराज की जयकार देगा ना उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। हाँ लग रहा है गिरिराज पूजा होने वाले, इसलिए अभी नंद बाबा बोले देखो ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, कल हम इंद्र पूजा नहीं कल श्री गिरिराज की पूजा करेंगे और गिरिराज साक्षात हमें दर्शन देंगे और जो मांगेंगे ना गिरिराज हमारी सारी इच्छाओं सबके सब
बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, चार तरह का तो चावल बनाए, एक फीका चावल, एक मीठा, एक बटर पनीर डाल करके, और एक है और एक कौन सा चावल बनाए, एक चावल बनाए फीका चावल, मीठा और नमकीन चावल बनाए, चार तरह का था चावल। आप लोगों ने कितना तरह का चावल बनाए, कितने तरह के, हाँ। और उन्होंने दाल तो पांच तरह का दाल बनवाए, अरहर की दाल, उड़द की दाल, छोले की दाल, मटर की दाल, पांच तरह का दाल बनवाए। और जो पराठा बनवाए ना, 20 तरह का पराठा, गोभी की, बथुआ की, मूली की, हैं, आलू की, कितने तरह का पराठा बनवाए, और कितने तरह का शाही पनीर, हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल, इतने बनाए, इतने बनाए, जिसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या है, अन्न मतलब होता है अन्न, और कूट मतलब होता है पर्वत। इतना बनाए सबके सब पर्वत आकार, सारे के सारे ये पर्वत आकार में। अभी कृष्ण स्वयं पंचामृत के द्वारा उन्होंने श्री गिरिराज को पुरुष सुक्त मंत्र से उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक करते हुए बोले, भैया पानी ले आओ, एक लोटे में गंदा पानी था, गंदा पानी डाले तो गिरिराज की कैसे ही नहीं भीगा। बोले भैया पानी ले आओ, बोले कहाँ गिर, तालाब ना नदी की ना कुएं की। बोले नहीं, गिरिराज के अभिषेक तो गंदा पानी से होनी चाहिए। बोले कन्हैया हमारा इंद्र अच्छे थे, किसी पानी में नहा दो, तुम्हारी ऐसे ठाकुर गंगा पानी के बगैर नहाएंगे नहीं, हैं भैया गंगा पास में थोड़ी है, पता नहीं कहाँ सोरो कितने दूर गंगा, कौन जाएगा गंगा पानी के लिए। देख लाला, तभी तेरे गिरिराज को हम गिरिराज मानेंगे, अगर गिरिराज यहाँ पर गंगा को प्रकट करते तो। बोले चिंता क्यों करते हो, आंख बंद करो, सबके सब आंख बंद करो। जब आंख बंद किया ना, कृष्ण अपना मन मन में मानसिक स्मरण किया, सचमुच में गंगा कलकल कलकल नाद करते 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 स्वयं गंगा नदी वहां प्रकट हो गई। बस की गंगा मैया की, खूब गिरिराज गोवर्धन को गंगा पानी में उन्होंने खूब स्नान कराया। जब आप गिरिराज जाओ ना, जरूर मानसी गंगा में स्नान कराओ, भगवान के मन से गंगा प्रकट होती है। अभी उन्होंने चकाचक जितने भोजन लाए थे सबने तुलसी पता दिए, ठाकुर का आसन दिए, पाद्य दिए, ठाकुर की चरण में फूल दिए। देखो ध्यान देकर सुनो, इधर सुनो, ठाकुर को कैसे भोग लगानी चाहिए, जैसे ठाकुर को जैसे भोग लगाओगे ना, फिर ठाकुर के सामने जैसे जो कुछ बनाते हो खाना रख दिया, तुलसी बता देना, और ठाकुर को एक आसन भी मिलनी चाहिए जैसे हम खाते हैं, है? आसन दे करके जैसे कोई व्यक्ति को खिलाओ, पहले हाथ धोओगे, उनको हाथ धो करके आसन देकर बैठ जाओगे, उनके चरण में फूल दोगे। ठाकुर ना ऐसे नियम है, भावना करके ठाकुर के चरण में फूल दे करके एक पंचपात्र को द्वारा पानी लेकर ठाकुर का हाथ धो करके ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। फिर तुलसी मंत्र दे करके देखो, और एक नियम है, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाओगे, ठाकुर को भोग लगाने के लिए एक मूल मंत्र गोपाल मंत्र कहते हैं, वो मंत्र को ऐसे करके ना और नीचे हाथ करके गोपाल मंत्र को 10 बार बोलना पड़ता है, इसी मंत्र से ठाकुर को भोग लगता है। लेकिन वो मंत्र मिलेगा जब हम किसी साधु से मंत्र ग्रहण करते हैं, किसी साधु संत से जब मंत्र लेते हैं उसी मंत्र से ठाकुर जी की भोग लगता है, उसी मंत्र से। इसलिए उन्होंने कृष्ण ने किया कि ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगाया, ठाकुर जी को जब उन्होंने आह्वान किया, सचमुच से सबके सब लोग देख रहे थे, गिरिराज जी स्वयं प्रकट हुए, इतने विशाल काल जिस आकाश को स्पर्श कर रहे थे, और गिरिराज कह रहे थे, देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूं, आज का दिन मेरे सेवा में लगा दिया। गिरिराज स्वयं कह रहे, किसी जीवन में भी घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी, उसी घर में मां लक्ष्मी भरपूर रहेगी, गिरिराज स्वयं कह रहे। और जो मेरी आज का दिन पूजा कर ली वो जिंदगी भर फल तक मिलते रहेगा, लेकिन जो मेरे को अनादर करेगा जन्म जन्मांतर में दुख करता और दुर्गति को भोग करेगा। इसलिए गिरिराज स्वयं दर्शन दिए, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, सबको ठाकुर जी वरदान दिए हैं ठाकुर जी। और दोनों हाथ बढ़ा बढ़ा करके जो कुछ लाए थे ना ठाकुर जी खा रहे थे, और मिनट में सब कुछ खा लिया, खा करके बोले आनो रे मतलब और लाओ और लाओ। इसलिए आप लोग परिक्रमा किए हो गोवर्धन की, कौन कौन किए हो, देखना जो पहला गांव ना उसका नाम है आनर गांव। जब आप लोग परिक्रमा को जो सबसे पहले गांव आएगा उसका नाम आनर गांव, क्योंकि वहीं पर ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी। ब्रजवासी बोले प्रभु
संतुष्ट हो जाओ है। इतने में गिरिराज जी फिर उन्होंने हाथ घुमा लिया। जब हाथ घुमा लिया ना, जो एक किलो का सूजी की जो हलवा बनाया हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का लड्डू लाए थे हो गया 4 किलो, जो 4 किलो का पूरी वो हो गया 8 किलो, जो जितने जितने लाए थे सबने सब डबल डबल हो गया। मतलब क्या है, अगर ठाकुर जी को भोग लगाओगे ना, कहते ना प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता है, प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता, प्रसाद बढ़ती रहती है। अभी तो जितने ब्रजवासी तरस होते बोले भैया आप डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और ज्यादा ज्यादा लेकर के आ जाते, क्यों डबल डबल हो जाएगा ना, हम तो ठग गए सब के साथ। इतने में कृष्ण बोले भैया चकाचक भजन करो है, चकाचक भजन करो और जितने बड़े बूढ़ों को खिला दो और चलो हम खाते पीते हुए और कीर्तन करते करते से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। देखो ये गिरिराज इतने महिमा क्यों है, कारण क्या, विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को पूजा करता है लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा करता है, गिरिराज गोवर्धन। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को परिक्रमा करता है लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की, गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा की। स्वयं ठाकुर जी परिक्रमा कर रहे थे, पहले कौन चल रहे थे, पहले जितने ब्राह्मण संत चल रहे थे, उसको पीछे कौन चल रहे थे, जितने कृष्ण की गैया ये भी परिक्रमा कर रहे थे, उनको पीछे कौन, बोले गो, सबसे पीछे गोपियां सखियां चल रही थी। ये नियम है, जब परिक्रमा कर रहे थे ना, गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे, परित करते राधा रानी थी उसमें, राधा रानी सबसे पीछे। अभी राधा रानी सोच रही है अगर श्याम सुंदर मेरे अगर सचमुच से प्राण प्रियतम हो, मैं थोड़ी सी अपना प्रियतम को दर्शन करना चाहता हूँ, अगर सचमुच से हम दोनों और एक ही दो हुए उनके दर्शन करना चाहता हूँ, अगर मेरे भावना को समझे ना, अगर मेरे को दर्शन देने पर समझूंगी श्याम सुंदर मेरे को मेरे प्राण प्यारे हैं। अभी राधा जी के मन की भाव कृष्ण समझ गए, अभी राधा रानी तो पीछे कृष्ण तो बीच में, फिर राधा जी को दर्शन कैसे देंगे। इतने में कृष्ण ने गैया चरण का जो लकुटी है ना, उन्होंने लकुटी को उन्होंने फेंके, जब लकुटी को फेंक करके कृष्ण बहादुर दिखा करके जब लकुटी को छलांग लगा करके पकड़ने के लिए गए ना, इतने में राधा रानी पीछे और कृष्ण यहाँ, उनका दोनों दोनों हाथ मिलकर एक हो गया और राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई, प्रेम में गदगद हो गई और थोड़ी दूर गए। फिर राधा रानी सोच रही है अगर श्याम सुंदर अगर मेरे प्राण प्यारे हैं मेरे को थोड़ी सी स्पर्श कर। अभी प्रसुत राधा रानी पीछे कृष्ण तो बीच में, पहले तो ऐसे नहीं होता लड़के लड़के सब गुल जाए, पहले मर्यादा था, मर्यादा को रक्षा करते थे, इसलिए राधा रानी सबसे पीछे कृष्ण बीच में। इतने देखो बाद में गिरिराज गोवर्धन बनाए ना, इसको ऊपर में गोपाल जी बीच में रख लेंगे, गोपाल जी को गिरिराज को। आप लोग गिरिराज की परिक्रमा करना, आपके मन में जो कुछ इच्छा हो गिरिराज से मांग लेना, लेकिन हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जरूर ठाकुर की सेवा भक्ति मांगो, ये दुनियादारी चीज तो हम आप गिरिराज दे देते, उनको मांगने का जरूरत नहीं है, उनकी चरण में भक्ति हो जाए ना ठाकुर जी सब कुछ तुम्हें दे देंगे, ठीक है। और देखो कल है ये कथा की विश्राम, क्या है कल कथा कभी समाप्त नहीं होता है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा, कल कथा का विश्राम है, वह है और सुदामा जी की चरित्र कल है और कल है भगवान की रास है और लास्ट में हम लोग होली खेलेंगे आज गिरिराज में, इसलिए सब घर से गुलाब गुलाब लेकर आना। और जब कल है ना जो साड़ी पहन कर के आओगे लाल रंग के, ठाकुर का शादी होगी ना, बाकी बिहारी की शादी है, कौन सा रंग के साड़ी पहनोगे, लाल रंग की चमक धमक जैसे शादी विवाह में जाते हो, क्यों कल बाकी बिहारी की शादी हुई, इसलिए बाकी बिहारी की शादी में एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर के आना। और देखो इधर तरफ जैसे कल कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई ना, अगर किसकी इच्छा होगा हम रुक्मिणी को साड़ी देना चाहते हैं, आप लोग साड़ी दे सकते हो, जो कुछ देना चाहते हो दे सकते हो, अगर बढ़िया साड़ी दोगे वृंदावन में हम राधा रानी को पहना है, ठीक है। और कल सुदामा जी का चरित्र है, उसमें जैसे सुदामा जी 2 मोती चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी खाए कर त्रिभुवन का राज्य ले दिया, इसलिए कल अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आओगे, सुदामा की चरित्र है, चावल लाओगे लास्ट में यहाँ मैं यहीं से थोड़ी थोड़ी आपको चावल दूंगा लेकर के जाना, अपने लेकर के किसी कपड़े में बांध करके ठाकुर मंदिर में उसको रखना, रखने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, फिर लक्ष्मी घर से कभी जाती नहीं, लक्ष्मी घर सुदामा जी का कुछ चावल है,
पिछले घर से थोड़ा चावल लाना, आपको मैं चावल दे दूंगा, उसको घर में रखना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। हमारे ठीक है, हमारे ठीक के कपूर प्रभु जी, इन्होंने कुछ ठाकुर के सभा के लिए 5 किलो क्या पारे लाए, नमक पारे लाए, वो कहा है क्या करो तो यहाँ पर आकर के फट ले जाइए, ठीक है। जिनका नाम है नमक क्या डिके पार कौन है, डिके कपूर कौन है, डिके कपूर यहाँ पर है, वो तो यहाँ पर आकर के फट ले लेगा, ठीक है। अभी आप लोग खड़े हो जाओ, प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन की बड़े सुंदर सुंदर भजन गाएंगे, और भजन में सबके समय नृत्य करना, ठीक है। गोवर्धन भैया नाचने वाले बने, और जिसको जो प्रसाद है ना, देखो इधर सुना, देखो भैया ये जो प्रसाद, ये प्रसाद सबको मिलनी चाहिए, इसलिए प्रसाद को लेकर के अब सब प्रसाद को वहाँ पर लेकर के वहीं पर रख लेना, और सब लोगों को गिरिराज प्रसाद मिलनी चाहिए, और इसको पर में भैया इधर सुना धीरे धीरे I'm
Thank you.
Thank you.
Thank you.
अल्लाह